हम लोग देखने जा रहे हैं सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल का पार्ट फाइव। आज हम सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल के पार्ट फाइव में पहुंच चुके हैं। ये अलौकिक जीवन शैली क्या है प्रियो? प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे नेचुरली लाइफ जीने के लिए नहीं रखा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक अलौकिक जिंदगी को जिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह नेचुरली तो आया, लेकिन उसने नेचुरली लाइफ को नहीं जिया, उसने अलौकिक जिंदगी को जिया। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठा है प्रियो, ताकि आप और मैं अलौकिक जिंदगी को बिताएं। प्रियो, अलौकिक जिंदगी क्या है? प्रियो, अलौकिक जिंदगी प्राकृतिक जिंदगी से मेल नहीं खाती। जिस समय प्राकृतिक लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, अलौकिक जीवन कहता होगा। डॉक्टर कहते अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु कहते होगा। वैज्ञानिक कहते अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु कहता होगा। धर्मशास्त्री धर्मज्ञ कहते अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु कहता है होगा। क्योंकि यीशु अलौकिक जीवन पर विश्वास करता है, इसलिए मैं भी कहता हूं आई बिलीव इन सुपर नेचुरल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आई बिलीव इन सुपर नेचुरल बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो आपको अलौकिकता पर भी भरोसा करना होगा। प्रियो, परमेश्वर आज चाहता कि आप और मैं अलौकिक जिंदगी को बिताएं। कितने लोग चाहते हैं आज अलौकिक जिंदगी को बिताना? क्या आज आप तैयार हैं अलौकिक जिंदगी को बिताने के लिए? प्रियो, अलौकिक जिंदगी के सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल जीवन शैली की आज हम भाग पांच पहुंच चुके हैं। और हम किन दो लोगों से अलौकिक जीवन के बारे में सीखे हैं? जो एक साधारण मछुआरे हैं, पतरस और यूहन्ना से। क्या आप और मैं अच्छे एजुकेटेड लोग हैं? आप और मैं पढ़े लिखे लोग हैं? आप और मैं अच्छी डिग्रियां कर रहे लोग हैं? लेकिन पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे। पतरस के पास कोई नहीं, पतरस यूहन्ना के पास कोई ऐसा भाग्य नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना के साथ था तो उनका जीवन अलौकिक जीवन हो गया। प्रियो, अलौकिक जीवन जीने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अलौकिक जीवन जीने के लिए आपको बाइबल कॉलेज में जाकर बड़ी डिग्री करने की जरूरत नहीं है। अलौकिक जीवन आपका शुरू होता है अलौकिक परमेश्वर पर, अलौकिक यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यदि आज आप अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अलौकिक यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। कब तक आप और मैं साधारण जीवन को जिएंगे? कब तक साधारण जीवन जियोगे? प्रियो, आज और अभी से आप अलौकिक जीवन जी सकते हैं। अभी और इसी वक्त अलौकिक जीवन आपको पुकार रहा है, अलौकिक जीवन आपको बुला रहा है। मेरे साथ कहिए अलौकिक जीवन शैली। अलौकिक जीवन शैली भाग पांच में, भाग पांच में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल, सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल पार्ट फाइव। पार्ट फाइव आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए आप प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय जो हम स्टडी कर रहे हैं। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय निकाल लीजिए। और मैं चाहता हूं सभी लोग आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुने, सभी लोग आज के संदेश पर मन लगाएं, सभी लोग अपने मन को इस संदेश की ओर लगाएं, ताकि हम लोग आज सही रीति से शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। हालेलुया, पढ़ना उसको। थैंक यू होली स्पिरिट। सेवन पढ़ना। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ? और तुरंत उसके पाव और टखनों में बल आ गया। क्या हुआ? पाव और टखनों में बल आ गया। पढ़ना फिर से। और उसने उसका सात और आठ को। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जन्म का लंगड़ा है जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। 40 साल का ये लंगड़ा व्यक्ति मंदिर के फाटक के बाहर बैठा है। और जब पतरस योना मंदिर में जा रहे हैं तो ये लंगड़ा उनसे भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है? लंगड़ा भीख मांग रहा है। पतरस योना ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। बोलो, पिछले भाग में हमने देखा, पिछले भाग में हमने देखा यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। पार्ट फोर में हमने देखा, पार्ट फोर में हमने देखा, पार्ट फोर में हमने देखा था, पार्ट फोर में हमने देखा यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का। बोलो, हमें एक नाम दिया गया है, नाम में शेष नाम है, उसका नाम है यीशु मसीह। हर घुटना टिकता है, घुटना टिकता
हर एक जीभ अंगीकार कर लेती है यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु का नाम नामों में श्रेष्ठ नाम है। जब आप यीशु का नाम बोलोगे हर एक नाम घुटने टेकेगा। बोलो हर एक नामों से ऊपर है यीशु का नाम। बोलो सब नामों से ऊंचा है यीशु का नाम। बीमारी का नाम है, समस्या का नाम है, पैसों का नाम है, दुनिया का नाम है, घर का नाम, गाड़ी का नाम, बैक्टीरिया का नाम, वायरस का नाम, सबका नाम है, सबका नाम है, बीमारियों के नाम है, लेकिन इन सब नामों के ऊपर यीशु का नाम है। यीशु का नाम सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग दूसरों को भी सुपर नेचुरल कर देगा। एक अलौकिक व्यक्ति दूसरों को भी अलौकिक कर देगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस। 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 बोलो एक अलौकिक व्यक्ति दूसरों को भी अलौकिक कर देगा। यदि आप अलौकिक हैं, दूसरों को भी आप अलौकिक बना देंगे। दूसरों को भी आप अलौकिक बना देंगे। जो आपके पास है वो आप लोगों को देंगे। पत्रस योहन्ना ने कहा जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूँ। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्रस योहन्ना के पास में अलौकिकता थी। पत्रस योहन्ना के पास में यीशु मसीह का नाम था। पत्रस और योहन्ना के पास में सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल था और वो उस लंगड़े के अंदर डालना चाह रहे थे। एक अलौकिक व्यक्ति आपको अलौकिक बना देगा। हमारी सेवकाई अलौकिक सेवकाई है प्रियो। हमारी सेवकाई कोई साधारण सेवकाई नहीं है। यदि आज आप हमारी अलौकिक सेवकाई में जुड़े हैं, आप भी अलौकिक बन रहे हैं। आप अब पृथ्वी जैसा सोचना बंद कर देंगे। अब आप साधारण मनुष्य के जैसा सोचना बंद कर देंगे। आप अपने पड़ोसी के जैसा सोचना बंद कर देंगे और बोलना भी बंद कर देंगे। आप अलौकिक शब्द बोलेंगे। पत्रस योहन्ना अलौकिक रीति से बोलने वाले लोग थे। पत्रस योहन्ना अलौकिक रीति से बोलने वाले। आज का संदेश आपको अलौकिक बना रहा है। 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 यू आर सुपरनेचुरल। यू आर ए सुपरनेचुरल मैन। यू आर ए सुपरनेचुरल वुमन। यू आर सुपरनेचुरल वुमन। हालेलुया। रिसीव द पावर ऑफ होली गोस्ट। आमेन। रिसीव पावर ऑफ होली गोस्ट। रिसीव पावर। बी हील। बी डिलीवर। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप अलौकिक हो रहे हैं। बोलो मैं अलौकिक हूं। मैं अलौकिक हूं। प्रियो जिस समय पत्रस और यूहन्ना ने उस लंगड़े से कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर, पत्रस यूहन्ना ने अपने अंदर से अलौकिक सामर्थ का संचार किया। जिस समय आप अलौकिक शब्दों को बोलते हैं वहां पर अलौकिक निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्रियो क्यों आज बीमार आदमी बीमार है, तकलीफ वाला व्यक्ति तकलीफ में, समस्या वाले व्यक्ति समस्याओं में? इसलिए है क्योंकि वहां पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय एक व्यक्ति से हम चंगाई की बात करने जाए हम उसको कहते कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने तुझे मना कर दिया है। इसके बजाय कि एक भाई और एक बहन को जिनके तलाक होने वाले हैं उनको कहे कि नहीं तेरा तलाक नहीं होगा चाहे कोर्ट ने आदेश दे दिया हो, यीशु मसीह जोड़ सकता है। हम क्या वहां पर एक्टिवेट कर रहे हैं? हम उस एटमॉस्फेयर में क्या एक्टिवेट कर रहे हैं? आज एटमॉस्फेयर इतना नकारात्मक रीति से भर चुका है कि एक व्यक्ति को हम सही रीति से बोल भी नहीं सकते। एक व्यक्ति को हम सही रीति से बोल नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते प्रियो। लेकिन अलौकिक व्यक्ति अलौकिक रीति से बात करता है। यीशु ने नहीं कहा याइर से तेरी बेटी मर जाएगी। लोग आकर कहने लगे तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु जीवित है। बोलो यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु जीवित है। यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु जीवित है। यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु जीवित है। अलौकिक व्यक्ति जीवन की बात करता है। रिश्तों में जीवन की बातें, परिवार में जीवन की बातें, नौकरी में जीवन की बातें, व्यवसाय में जीवन की बातें, जिंदगी में भी जीवन की बातें करता है। यदि आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं, मौत के सामने भी कहेंगे जीवन है, अंधकार में कहेंगे उजियाला है, जहाँ आशा नहीं आप कहोगे आशा है, और जहाँ सुख है आप हो गए बारिश होने वाली है। बोले अलौकिक व्यक्ति अलौकिक बातें करता है। शरीर की बातों पर मन लगाएगा। अलौकिक व्यक्ति अलौकिक बातों पर मन लगाएगा। इसलिए प्रियो अपने मुंह से अलौकिक बातें करें।
बोलो आलोक बोले, पतरस यूहन्ना ने, पतरस यूहन्ना ने वो बोला जो आज तक लंगड़े ने कभी नहीं सुना, जो आज तक लंगड़े ने कभी नहीं सुना। पतरस यूहन्ना ने वो बोला जो लंगड़े ने कभी नहीं सुना था, लंगड़े ने सोना सुना था, चांदी सुना था, पैसे सुना था, परमेश्वर पर भरोसा रखो सुना था, परमेश्वर पर भरोसा रखना सुना, चिंता मत करो सुना था, हम तेरी मदद करेंगे सुना था। लंगड़े ने सब बात सुनी थी, लेकिन लंगड़े ने ये नहीं सुना था, उठ और चल फिर। हालेलुया। आज पूरी दुनिया आएगी, यहाँ इलाज करा लो, वहां इलाज करा लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे, हम तुम्हें पिलाएंगे, सब करेंगे। लेकिन लंगड़े को चंगाई चाहिए थी। आप लंगड़े के पास में एक बोरा भर के नोट लेकर जाइए और एक साइड में उसके हाथ में चंगाई लेकर जाइए, एक हाथ में पैसा, एक हाथ में चंगाई, और लंगड़े से पूछे तुझे क्या चाहिए। लंगड़ा बोलेगा मुझे चलना है, क्योंकि मैं यदि चल फिर करूंगा तो पैसा कमा लूंगा। पतरस यूहन्ना लंगड़े की जरूरत को जानते थे भाई और बहनों, इसलिए पतरस यूहन्ना ने कहा सोना चांदी की उम्मीद हमसे मत कर, लेकिन जो हम तुझे देने वाले हैं वो तुझे सोना चांदी से बढ़कर है। आज लोगों को सोना चांदी से बढ़कर और कुछ चाहिए, और प्रियो वो एक अलौकिक व्यक्ति ही दे सकता है। आज का संदेश आपको अलौकिक बना रहा है। मैं अलौकिक सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल के पार्ट 5 में पहुंच चुका हूं प्रियो, और एक ही अध्याय हमने चुना है कि वहां ही से हम अलौकिक जीवन शैली को स्टडी कर रहे हैं। आज का संदेश आपको अलौकिक बनाने जा रहा है, इसलिए बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, बार बार भागने की जरूरत नहीं है। ध्यान से आज के संदेश को सुनिए, अपने दिमाग को भटकने दीजिए, मोबाइल को एक जगह फिट कर दीजिए और सुनिए कि हम कैसे अलौकिक बन सकते हैं। बोलो पतरस यूहन्ना ने लंगड़े को जब बोला उठ और चल फिर बस यहीं पर नहीं रुक गए। बोलो यहीं नहीं रुक गए। क्या हुआ आगे लिखो, 7 पद। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। बोलो उसने दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। प्रियो पतरस यूहन्ना ने यहाँ पर अपने विश्वास को कार्य रूप में प्रकट किया। प्रियो पतरस यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह के नाम से चल और फिर, और पतरस यूहन्ना चुपचाप खड़े होकर तमाशा नहीं देखे, पतरस यूहन्ना ने उसके हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर दिया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस प्रियो, ये दिखाता है विश्वास को कर्म के रूप में प्रकट करना। प्रियो यदि आप विश्वास करते कि यीशु चंगा करने वाला है तो आपको उठकर चलना होगा। यदि आप विश्वास करते यीशु मसीह चंगा करने वाला है तो आपको उठकर काम करना होगा। यदि आप विश्वास करते यीशु मसीह चंगा करने वाला है तो आप लंगड़े को उठाएं और चले फिरें। प्रियो क्या आपको पता है, पिछली लाइव मीटिंग में आपको पता है एक बहन के पिताजी के लिए हमने प्रार्थना किया था, पिछले लाइव मीटिंग में, क्या आपको याद है? और उनके पिताजी कह रहे थे कि मैं रोटी का एक निवाला भी नहीं खा सकता हूं, और रोटी का निवाला खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी। बहन ने कहा कि वो यदि रोटी को मुंह में जबान पर रखते हैं उनको उल्टी होना शुरू होती है। क्या आपने देखा था प्रार्थना करने के बाद मैंने क्या किया वहां पर? मैंने कहा रोटी लाइए, उन्हें खिलाइए। क्यों? क्योंकि हम विश्वास को बोलते नहीं, विश्वास को जीते हैं, विश्वास को करते हैं। हमें बस विश्वास को बोलकर रुक नहीं जाना है, आपको और मुझे विश्वास का कदम उठाना है, विश्वास के अनुसार चलना है। और आपको पता है वो अंकल जो एक निवाला रोटी नहीं खा पा रहे थे, उन्होंने आधी रोटी को खाया सबके सामने लाइव मीटिंग में, और उनको कोई उबके नहीं आए, कोई उल्टी नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए। और अभी जब मैंने उनके बारे में पता करवाया, इंफॉर्मेशन निकाली, तो उस दिन के बाद से अभी तक उनको उल्टी नहीं हो रही खाना खाने पर। सब कहें हालेलुया। क्या आपकी आवाज में सुन सकता? सब कहें हालेलुया। एक बार फिर से कहें हालेलुया। उन्होंने आधी रोटी खाई प्रियो, और सारे लाइव मीटिंग में सैकड़ों लोग देखने वाले इस बात के गवाह हैं। हम इस बात पर रुक नहीं गए प्रियो कि हमने विश्वास के साथ बोल दिया है। यहां पर पतरस और यूहन्ना बात पर रुक नहीं गए कि हमने लंगड़े को आगे दिया मसीह के नाम से, लेकिन बाइबल बताती है पतरस यूहन्ना ने लंगड़े के हाथ को पकड़ा। बोलो पतरस यूहन्ना ने लंगड़े के हाथ को पकड़ लिया, लंगड़े के हाथ को पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। बोलो दिस इज अ फैक्ट। बोलो विश्वास काम करता है। विश्वास देखता है, सुनता है,
और चलता है। बोला विश्वास, विश्वास अंधा नहीं है। ब्लाइंड इज सॉरी, बोले फेथ इज नॉट ए ब्लाइंड, फेथ इज नॉट ए ब्लाइंड। विश्वास अंधा नहीं है, विश्वास अंधा नहीं, विश्वास देखता है, विश्वास देखता है, विश्वास गूंगा नहीं है, विश्वास गूंगा नहीं है, विश्वास बोलता है, विश्वास बोलता है, विश्वास लंगड़ा नहीं है, विश्वास लंगड़ा नहीं है, विश्वास चलता है, विश्वास चलता है, विश्वास टूटा नहीं है, विश्वास टूटा, विश्वास छूता है, विश्वास छूता है। आज हमारे पास कौन सा विश्वास है? आज हमारे पास में कौन सा विश्वास? मेरा विश्वास, मेरा विश्वास देखता है, देखता है, यीशु आएगा, मेरा विश्वास बोलता है, यीशु उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता है, मेरा विश्वास चलता है, मेरा विश्वास चलता है यीशु का सुसमाचार लेकर, यीशु का सुसमाचार लेकर। कौन सा विश्वास आज आपके और मेरे पास है? आज विश्वास देखता है, बोलता है, सुनता है, चलता है। दिस इज द फेथ। पत्रस यूहन्ना ने लंगड़े को उठा लिया। आपने कितने लंगड़ों को उठाया है मेरे भाइयों बहनों? मुझे गिनती नहीं है। मेरी सभा में आने वाले लोग डंडा पकड़कर, स्टिक लेकर, वाकर लेकर आते थे, मैं उनका डंडा छीन लिया करता था। अभी लॉकडाउन से पहले और अभी लाइव मीटिंग में भी करता हूं मैं, कई सारे वीडियो देखो आप उठाकर। मैं सीधे बोलता, बिस्तर से निकलो बाहर, चलना फिरना शुरू करो। वाकिंग सुपर नेचुरल, अब तुमको लंगड़े रहने की जरूरत नहीं है। डंडा ले लेता हूं उनका, चलो तुम्हें डंडे की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सहारा यीशु मसीह है। विश्वास चलता है, बोलो विश्वास चलता है, विश्वास चलता है। यदि आपका विश्वास है, यदि आपका विश्वास है, चलेगा, चलेगा। पत्रस यूहन्ना ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। सोचो प्रियो, एक 40 साल का व्यक्ति, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं चला, उसने कभी अपने जिंदगी में चलने का एक्सपीरियंस नहीं किया, उसे पता ही नहीं कैसे चला जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को पत्रस यूहन्ना ने हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। प्रिय, हो सकता था वो व्यक्ति पत्रस यूहन्ना के हाथ से गिर जाता। हो सकता था कि यदि पत्रस यूहन्ना ने जब उनको खड़ा किया वो न चल पाता, तो पत्रस यूहन्ना पर लोग पथराव करते, पत्रस यूहन्ना को लोग बड़ा बुला कहते, पत्रस यूहन्ना पर लोग इल्जाम लगाते कि एक लंगड़े व्यक्ति को तूने कैसे चलाने की कोशिश की। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो विश्वास, विश्वास जोखिम उठाता है, जोखिम उठाता है। यदि आपका विश्वास, यदि आपका विश्वास जोखिम नहीं उठाता, जोखिम नहीं उठाता, बोलो विश्वास, विश्वास फेस ए चैलेंज, चैलेंज बोलो विश्वास, विश्वास चुनौती का सामना करता है, सामना करता वो चुनौती को लेता है, चुनौती को लेता है, वो एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, एक्सेप्ट करता है चैलेंज को। वो हो सकता था, हो सकता था लंगड़ा नहीं चलता, लंगड़ा नहीं चलता, लेकिन विश्वास ने चलाया, लेकिन विश्वास ने चलाया। आज कई चर्चेस, कई खुदा के दास करते हैं प्रार्थना कर दे तुम चंगे हो जाओगे, जाओ अपने घर। चैलेंज लेना नहीं पसंद करते, चुनौती लेना पसंद नहीं करते, बोलो चुनौती नहीं लेते, चुनौती नहीं लेते, जाओ चंगे हो जाओगे बोल देते हैं। प्रियो, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैं लाइव मीटिंग में लोगों को लाइव लाकर प्रार्थना करने लगा। मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि जो परमेश्वर मेरे चर्च की सभाओं में मिरेकल्स करता था, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो लाइव मीटिंग में भी मिरेकल्स करेगा। मैंने कहा नहीं, ये तो दिखावटी जीवन हो गया, मैं लाइव मीटिंग में चैलेंज लेने को तैयार हूं खुदा। मैं लाइव मीटिंग में विश्वास के साथ लोगों को बुलवाया प्रार्थना के लिए। लाइव मीटिंग में लोग जुड़ने लगे। शुरुआती दिनों में थोड़े लोग होते, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। और सेम हीलिंग जो हमारी मीटिंग्स में होती है, हमारी कॉन्फ्रेंस में होती है, सेम हीलिंग अब लाइव मीटिंग में हो रही है आपकी आंखों के सामने। सेम हीलिंग, वही दुष्टात्माएं जो सामने निकलती थी, कौन कहता है फोन पर दुष्टात्माएं निकलती, कौन कहता है चर्च में दुष्टात्माएं निकलती, बाहर नहीं निकलती। आप देख रहे हैं लाइव मीटिंग में लोग उल्टियां कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइव मीटिंग में लोगों के ट्यूमर्स जा रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइव मीटिंग में लोग खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइव मीटिंग में लोगों के कमर के दर, सिर के दर ट्यूमर्स गायब हो रहे हैं। लाइव मीटिंग में लोग हीलिंग को पा रहे हैं, कैमरे में सैकड़ों लोग देख रहे हैं। जादू टोना करने वाले उल्टियां कर रहे हैं जिन पर जादू टोना किया गया। बोलो विश्वास, विश्वास चुनौती लेता है, चुनौती लेता है। क्या आज आप चैलेंज लेने को तैयार हैं? क्या आज आप चैलेंज लेने को तैयार? क्या लंगड़े के हाथ पकड़ के खड़ा करने के लिए तैयार हैं? लंगड़े के हाथ पकड़ के खड़े करने के लिए तैयार हैं? यदि प्रियो आप चैलेंज नहीं ले सकते, यदि आप विश्वास का कदम नहीं उठा सकते,
तो आपका विश्वास मरा हुआ है। बोलो विश्वास मरा हुआ है, विश्वास मरा हुआ है। याकूब 2:26 को पढ़ेंगे आप? यस। इब्रानियों के बाद सीधे जल्दी से याकूब पर आ जाइए आप सभी लोग, आपके पास बाइबल है, इब्रानियों की किताब के बाद सीधे याकूब आ जाएगा। याकूब का 2 अध्याय उसके 26 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, बोलो देह आत्मा के बिना मरी है, देह आत्मा बिना मरी हुई, बोलो है, ये शरीर बिना आत्मा के, बिना आत्मा के मरा हुआ है, मरा हुआ है। प्रियो, यदि आपके शरीर में से आत्मा को निकाल दी जाए, जब एक व्यक्ति का शरीर आत्मा को छोड़ देता है, एक आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब लोग बोलते हैं इसका देहांत हो चुका है, ये गुजर चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं, ये फिनिश हो चुके हैं, मर चुके हैं, जल्दी से इसको दफना के आओ, जल्दी से इसे जलाओ, जल्दी से इसे गाड़ो, जल्दी से क्रियाक्रम होगा। रिश्तेदार पूछेंगे कब लेकर जा रहे हैं, कब इनका उठावना है, कब बॉडी को लेकर जाएंगे, क्यों? बोले अभी तो जिंदा था, अभी तो जिंदा था, ये शरीर जिंदा था, ये शरीर जिंदा था, जिसको नहलाया, जिसको नहलाया, बुलाया, बुलाया, महंगा कपड़ा, महंगा कपड़ा, महंगा क्रीम, महंगा क्रीम, सब शरीर पे किया, सब शरीर पे किया, सब शरीर पे, सब शरीर, सारा खर्चा, सारा खर्चा, शरीर के आनंद के लिए, शरीर के आनंद के लिए, पूरा खर्चा, पूरा खर्चा, शरीर के आनंद के लिए, शरीर के आनंद, और एकदम से, और एकदम से ये शरीर पड़ा हुआ है जमीन पर, शरीर पड़ा हुआ है जमीन पर, जो बहुत बहुत बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वही पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, कब लेकर जाएंगे इन्हें, लेके जाएंगे इन्हें, क्यों, क्यों? आत्मा निकल गई है। जब एक व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो बोलो मृत हो जाता है, मृत हो जाता है। इसका मतलब, इसका मतलब आत्मा ही है, आत्मा ही है जो आपको मुझे जीवित रखती है, जो आपको मुझको जीवित रखती है। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, अतः अतः जैसे देह, जैसे देह शरीर, शरीर आत्मा के बिना, आत्मा के बिना मरा हुआ है, मरा हुआ है, सब कहें, सब कहें, शरीर, शरीर आत्मा के बिना, आत्मा के बिना मरा है, मरा है, कोई काम का नहीं है। यदि हमारे शरीर से, हमारे शरीर से आत्मा अलग कर दी जाए, अलग कर दी जाए, शरीर हिल नहीं सकता, शरीर देख नहीं सकता, शरीर बोल नहीं सकता, शरीर काम नहीं कर सकता, वो लटक जाएगा। वैसे ही, बोलो वैसे ही, वैसे ही, क्या लिखा हुआ पढ़िए, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई, जैसे है, देह आत्मा के बिना मरी हुई है, मतलब कुछ नहीं कर सकती, बोलो शरीर, शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता, आत्मा के कुछ नहीं, वैसे ही, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ, बोलो वैसे ही, वैसे ही विश्वास भी, विश्वास भी कर्म के बिना, कर्म के बिना, काम के बिना, काम के बिना मरा हुआ विश्वास है। यदि आप अपने विश्वास से कामों को निकाल देंगे, आपका विश्वास एक मरा हुआ विश्वास है, एक मरा हुआ विश्वास बन जाएगा। आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, फिर भी चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीष नहीं, उन्नति नहीं, तरक्की नहीं, संपन्नता नहीं, नो रिजल्ट। क्यों? आप पूछोगे विश्वास करते हो? आप पूछोगे विश्वास बहुत, लेकिन वो विश्वास, वो विश्वास एक ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है, जैसे जैसे बिना आत्मा के शरीर, बिना आत्मा के शरीर, समझ पा रहे हैं? यस। यदि आपके विश्वास के अंदर कर्म नहीं है, यदि आप विश्वास के अनुसार नहीं चल रहे हैं, यदि मैंने आपके लिए प्रार्थना कर दी है और मैंने कहा खड़े हो जाओ, यदि आप खड़े नहीं हो रहे हैं, मैंने प्रार्थना कर दिया, आपने विश्वास नहीं किया कि आप चंगे हो चुके हैं, तो वही बात हो गई, बिना आत्मा के शरीर मरा हुआ। बोलो ऐसा विश्वास मरा हुआ विश्वास है, ऐसा विश्वास मरा हुआ विश्वास, और वो कोई फल नहीं लाता, और वो कोई फल नहीं लाता। प्रेयर हो गई, प्रेयर हो गई, वॉक इन फेथ, वॉक इन फेथ, प्रेयर कर दिया, प्रेयर कर दिया, नौकरी पे जाओ, नौकरी पे जाओ, प्रेयर कर दिया, प्रेयर कर दिया, लकड़ी फेंको, लकड़ी फेंको, प्रेयर कर दिया, प्रेयर कर दिया, आओ दवाई फेंको, दवाई फेंको, आप चंगे हो चुके हो, आप चंगे हो चुके हो, आप चंगे हो चुके हो। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा, जैसे देह आत्मा के बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी, विश्वास भी कर्म के बिना मरा है। यदि विश्वास कर लिया, उठे और चले, विश्वास कर लिया, काम करें, विश्वास किया, काम करें, यदि आपने कह दिया यू आर ही, उसको चलना ही है, ओ अंधे देखने लगो, तुम्हें देखना ही है। कई लोगों के चश्मे, मैंने प्रार्थना किया, चश्मा निकाल दिया, देखो देखो, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर दी फिर भी चश्मा लगा के घूम रहे हो, कभी भी नहीं देखोगे जिंदगी में।
रोहित मसीह मिनिस्ट्री पे जाकर देखना कितने लोगों के चश्मे निकाले मैंने। लोग डंडा लेके आते, डंडा छुड़वा लेता हूं मैं। डंडा दे दे भाई, तू डंडे के भरोसे नहीं आया, तू यीशु के भरोसे आया है। आप किसके भरोसे हैं बोलो, चश्मे के या डंडे के? चश्मे के, डंडे के, सीट बेल्ट के, कमर बेल्ट, गले के पट्टे के, किसके भरोसे हैं आप? मेरे पास आने वाले व्यक्ति के लिए मैं सबसे पहले यह बात करता हूं, क्या तू विश्वास करता है? क्योंकि यदि तेरे पास विश्वास नहीं है तो तू उस व्यक्ति के समान होगा। इसके पास शरीर तो है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए भी कई बहनें आती है कि हम गर्भ धारण करना चाहती हैं, हमें बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि आप विश्वास करती हैं, आपके लिए प्रार्थना हो गया है, आप जाइए विश्वास के साथ बच्चे के कपड़े खरीदना शुरू कीजिए। कई लोग शादी के लिए प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, शादियां क्यों नहीं हो रही पता है आपकी? आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने शादी की तैयारियां नहीं की हैं, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है। कई लोगों से कहा मैंने, जो लोग शादी के लिए प्रार्थना कराने आते हैं, मैंने बोला आपने टेंट की बात कर ली, आपने हलवाई की बात कर ली? वो सोच रहे हैं पहले हम चंगे हो जाएं फिर खड़े होंगे। बोलो, तुम ऐसे लंगड़े हो जो चंगे होकर खड़े होंगे चंगे नहीं होंगे, चंगे होंगे तब खड़े होंगे। भूल जाओ बच्चों को भूल जाओ, मेरी लाइफ पार्टनर को यदि आप शादी के लिए मेरे पास प्रार्थना कराने आए हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, आपको लाइफ पार्टनर मिले, तो मेरे को लिस्ट ला कर दो आप कि आपकी शादी में कितने लोग होंगे। लिस्ट ला कर दीजिए आप कि आप कौन सा टेंट करने वाले, कौन सा गार्डन करने वाले, कौन सा सूट ने, शादी की तैयारी कंप्लीट है? बोलो, मैं कैसे खुदा के दास को जानता हूँ? उसका नाम था रेनार्ड बोंके। प्रभु का एक सामर्थी दास रहा, इवेंजलिस्ट रेनार्ड बोंके। अफ्रीका की सेवकाई। एक बार अफ्रीका में बोंके के पास में रेनार्ड बोंके के पास में एक व्यक्ति आया। उसने बोंके से कहा बोंके मेरे लिए प्रार्थना करो। बोंके ने देखा उस व्यक्ति का एक पाँव नहीं था। उस व्यक्ति का एक पाँव था ही नहीं। उसने बोला तुम क्या प्रार्थना चाहते हो? आप प्रार्थना करो मेरा नया पाँव आ जाए। क्या प्रार्थना थी मेरा नया पाँव आ जाए। बोंके ने कहा नए पाँव के लिए प्रार्थना कराना चाहते हो? तुम्हें नया पाँव चाहिए। जूता कहाँ है? पहले जूते लेके आओ। क्या समझ में आया? शादी के लिए प्रार्थना कराना चाहते हो? तैयारियों की लिस्ट कहाँ है? बच्चे के लिए प्रार्थना चाहते हो? बच्चे की तैयारी कहाँ है? जैसे देह आत्मा के बिना मरी है ना, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। आपको विश्वास ही नहीं है, इसलिए तो आप शादी की तैयारियां नहीं कर रहे हैं। आपको विश्वास ही नहीं है, इसलिए आप बच्चों के कपड़े नहीं खरीद रहे हैं कि आपका जब बच्चा होगा उसके कपड़े कहाँ हैं, आपका बच्चा होगा उसको कैसी तैयारी करें, आपका बच्चा होगा क्या नाम होगा उसका, आपके बच्चे की तैयारियां नहीं है आपकी। This is the act of faith. बोलो act of faith. This is the act of faith. Act of faith. विश्वास के अनुसार कार्य करना। एक गांव में पुराने समय की बात है। कई सालों से बरसात नहीं हुई। पूरे गांव के लोग एक मन हो गए और कहा चलें? हम मंदिर में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारे गांव में बारिश भेज। हम तकलीफ में हैं। पूरा गांव मंदिर में एकत्रित हुआ प्रार्थना करने के लिए।
बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए, पूरा गांव एकत्रित हुआ, पूरा गांव एकत्रित हुआ। एक छोटा बच्चा था, केवल एक छोटा बच्चा, केवल एक छोटा बच्चा था, केवल एक छोटा बच्चा था जो छतरी लेकर आया था, छतरी लेकर आया था, जो छतरी लेकर आया था, छतरी लेकर आया। बोलो बारिश के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए। छतरी कहाँ है? छतरी कहाँ है? वेयर इज योर अम्ब्रेला? वेयर इज योर अम्ब्रेला? वेयर इज योर अम्ब्रेला? वेयर इज योर अम्ब्रेला? बारिश के लिए प्रार्थना करने आए हो? बारिश के लिए प्रार्थना करने। छतरी कहाँ है? 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 बोलो व्हाट इज द अम्ब्रेला? व्हाट इज द अम्ब्रेला? अम्ब्रेला इज द फेथ वर्क। अम्ब्रेला इज द फेथ वर्क। बच्चा बिलीव करता था, बच्चा बिलीव करता था, पूरा गांव प्रार्थना करेगा, पूरा गांव प्रार्थना, खुदा बारिश भेजेगा, बारिश भेजेगा, इसलिए मैं छतरी लेकर जा रहा हूं, इसलिए मैं छतरी लेकर जा रहा हूं। वेयर इज योर फेथ? Where is the faith? आपका विश्वास कहाँ है? आपका विश्वास कहाँ है? पत्रस यूहन्ना ने बिलीव किया कि यीशु ने उसको चंगा किया है, उसको चंगा किया, उसने उसका हाथ पकड़ा, खड़े हो, खड़े हो, अब तू लंगड़ा नहीं रहेगा। एक व्यक्ति कई सालों तक प्रार्थना कराता रहे और वो लंगड़ा ही रह सकता है यदि उसको खड़ा ना किया जाए। परमेश्वर के लोगों, खड़े हो जाओ विश्वास में, खड़े हो जाओ। मैं भी पत्रस और यूहन्ना की तरह तुम्हें हाथ देकर उठाता हूँ। बीमारी से खड़े हो जाओ, गरीबी से खड़े हो जाओ, पाप से बाहर आ जाओ, व्यभिचार से बाहर आ जाओ। इंतजार मत करो, परमेश्वर आएगा, तुम्हें उठाएगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा है, वो तुम्हें उठाएंगे, मैं तुम्हें उठाता हूँ। पाप से बाहर आओ, पाप से बाहर आओ, श्राप से बाहर आओ, लंगड़ेपन से बाहर आओ, अंधेपन से बाहर आओ, चश्मा निकाल दो, योर आई बी हील्ड। मैं कमांड करता हूँ, निकालो चश्मा, निकालो चश्मा, योर आईज बी हील्ड। कान की मशीन निकाल दो, योर ईयर बी हील्ड। व्हीलचेयर से उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। कमर के पट्टे निकाल दो, गर्दन के पट्टे निकाल दो, यू आर हील्ड। हाथों के बाजू के पट्टे निकालो, आपके हाथ चंगे हो रहे हैं। लंगड़े लोग बिना सहारे के खड़े हो जाओ, आप चंगे हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, वेयर इज योर फेथ? आपका बिलीव कहां है? पत्रस और यूहन्ना ने उस लंगड़े को खड़ा कर दिया। आप हमारी किसी भी सभा में आएंगे आने वाले समय में, जब लॉकडाउन खुलेगा, आप देखने हम लंगड़ों से कैसा व्यवहार करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं से कैसा व्यवहार करते हैं। एक लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ा रह सकता है यदि उसे खड़ा ना किया जाए। हम उठाकर खड़ा कर देते हैं। हम उठाकर खड़ा कर देते हैं। यही प्रचार, बोलो यही प्रचार, यही प्रचार। एक बार खुदा ने सुबह मुझे करने के लिए कहा, एक बार खुदा ने मुझे सुबह करने के लिए बोला। वो स्टडी नहीं थी, वो स्टडी नहीं थी, वो एक संडे चर्च प्रचार था, संडे चर्च प्रचार था। मुझे नहीं पता खुदा ने मुझे ये प्रचार क्यों दिया, मुझे नहीं पता खुदा ने प्रचार मुझे क्यों दिया। खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, जा प्रेरितों के काम 3 पर प्रचार करना, जा प्रेरितों के काम 3 पर प्रचार करना। संडे सर्विस 2 बजे थी, संडे सर्विस 2 बजे थी। मैं कार से पहुंचा, मैं कार से पहुंचा, संडे सर्विस चालू किया, संडे सर्विस चालू किया। पूरा हॉल भरा था, हॉल भरा था, बाहर तक लोग थे, बाहर तक लोग थे, हॉल में, हॉल में नीचे लोग बैठे थे, नीचे लोग बैठे थे। मैं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु ने वचन दिया था। प्रत्येक काम 3 पर प्रचार कर, मैं शेरों की तरह दहाड़ा, मैं शेरों की तरह दहाड़ा, मैं चिल्लाया, चिल्लाया, मैं चिल्लाया, चिल्लाया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, मैं चिल्लाया, चिल्लाया। प्रत्येक काम 3 पर प्रचार किया। पत्रस यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े के लिए प्रार्थना किया, वे चंगे हो गए, चंगे हो गए। मीटिंग खत्म हुई, खत्म हुई। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति कई सालों से पैरालिसिस था, कई सालों से पैरालिसिस था। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति कई सालों से पैरालिसिस था, कई सालों से पैरालिसिस था। उसको लेकर आए, उसको लेकर आए पीछे की सीट से बाहर, पीछे की सीट से बाहर नहाने के लिए, नहाने के लिए। वो अपने परिवार पर निर्भर था, वो अपने परिवार पर निर्भर। खाने के लिए, खाने के लिए अपने परिवार पर निर्भर था। उसकी माँ थी, उसकी माँ थी बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। उसको सामने लेकर आए, मैंने डंडा छुड़ा लिया, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने जो उसको उठा कर लाए थे उनको बोला हाथ हटाओ, उसको छोड़ दो। मैंने दूर से कहा, राइज एंड बी हील्ड, ओ राइज एंड बी हील्ड, बी हील्ड। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। मेरे चर्च के लोग वायलेंटर्स ने उसके हाथ छोड़ दिए और वो पैरालिसिस वाला, पैरालिसिस वाला, पैरालिसिस वाला
जो कई साल से नहीं चला था, कई साल से नहीं चला, उसने चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही, रोहित मसीह मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें। हवा में तीर नहीं मार रहा हूं मैं बैठ के, यहां पर डिंगे नहीं हाँकने के लिए बैठा हूं, मैं डिंगे हाँकने के लिए नहीं बैठा हूं इस कुर्सी पकड़कर कि मैं आपको किससे कहानियां सुनाऊं। रोहित मसीह मिनिस्ट्री पे जाइए, ये वीडियो अपलोड कर रखा है, देख लेना। उस पैरालिसिस वाले व्यक्ति से कहा, उस पैरालिसिस वाले व्यक्ति से कहा, मैंने चिल्लाया उसको छोड़ दो, छोड़ दो। दो लोग पकड़े हुए थे, सहारा देखकर उसको रेंग कर ला रहे थे, मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ दो। लोगों ने सोचा छोड़ दिया, छोड़ दिया, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा जिसे खड़ा करता है वो गिर नहीं सकता। आमेन। वो गिर नहीं सकता। आमेन। वो गिर नहीं सकता। बोलो, मैं भी कहता हूँ, अपने लंगड़ेपन से खड़े हो जाओ, जिन्हें बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, जाओ अपने बेबीज के लिए कपड़े लेके आओ, जाओ अपने बेबीज के लिए कपड़े लेके आओ। मर जाएगा तुरंत विश्वास आपका। जब मैं बोलूंगा ना कि जाओ अपने बच्चे की तैयारी करो, लेकर आओ कपड़े, सामान लेकर आओ बच्चे का, तुरंत विश्वास मर जाएगा। यदि मैं बोलूंगा शादी के लिए प्रार्थना कराने, मेरी शादी हो, मैं जब शादी के लिए बोलूंगा जाओ शादी की तैयारियां करो, क्या खाओगे, शादी में क्या पकवाओगे, कौन होगा, कितने लोग आएंगे, क्या कपड़े होंगे, अभी आपका विश्वास मर जाएगा। आंखों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बोलो चश्मा निकाल दो, अभी विश्वास मर जाएगा। वेयर इज योर फेथ? याकूब ने कहा जैसे देह आत्मा के बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म के बिना मर चुका है। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास काम न करने से मर चुका है। वे विश्वास तो करते हैं एक शरीर के समान लेकिन काम नहीं करते। उनको बोलते हैं विश्वास के साथ बीज बो। नहीं बोते। वो सोचते हैं पहले मेरा काम होगा तब मैं बोऊंगा। वो सोचते हैं पहले मैं चंगा होऊंगा फिर चलूंगा। बोलो, जब पतरस यूहन्ना ने कहा था, तब तक लंगड़े की बॉडी में पावर नहीं था। ध्यान से पढ़ो वहां पर क्या लिखा है। जब पतरस यूहन्ना ने उसको आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से चल और फिर, तब तक उसकी बॉडी में कोई पावर नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, कोई बल नहीं था उसके शरीर में। लिखा है यहां पर, जब उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया, लिखा ना, पढ़ो उसको, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। बोला, आज बहुत सारे कहते जरूर हैं, यीशु के नाम से चल। वो नहीं चलता। पत्रस यूहन्ना जानते थे, केवल यीशु के नाम से नहीं चलने वाला, मुझे विश्वास का कदम उठाना है। ये लंगड़े का विश्वास मरा हुआ है, मैं यीशु के नाम से बोलूं, गाऊं, नाचूं, ये खड़े नहीं होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जिनको यीशु के नाम से हम बोल के थक चुके हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहे। क्या हो रहे? हिल नहीं रहे। बोले, रोज प्रार्थना, हर पादरी से प्रार्थना कराते हैं, हर लाइव मीटिंग में आ जाएंगे, हर एपोस्टल के पास मिलेंगे आपको, हर एपोस्टल की लिंक शेयर करते मिलेंगे, हर पास्टर की लिंक शेयर करते मिलेंगे, सबके पास प्रार्थना कराएंगे, लेकिन खड़े नहीं होंगे। पादरी साहब प्रार्थना कर दो, मैं यहां पर हाथ पकड़ के उठा देता हूं। ये सेवाएं और चर्चेज जैसी और मिनिस्ट्री जैसी नहीं है, ये सेवकाई विश्वास की सेवकाई है। हालेलुया। यदि ये विश्वास की सेवकाई नहीं होती तो ये वो सेवकाई है जो शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, लेकिन यहां दोनों हैं। मैं हाथ पकड़ के खड़ा करने वाला व्यक्ति हूं, जैसे पत्रस यूहन्ना है, यदि आप मेरे पास शादी के लिए प्रार्थना कराने आओगे, मैं बोलूंगा शादी की तैयारी करो, आप बच्चे के लिए प्रार्थना कराने आओगे, मैं कहूंगा आपसे बच्चों की तैयारी करो। हालेलुया। बोलो, दैट इज फेथ। यीशु कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। जब पत्रस ने कहा यीशु मसीह के नाम से चल फिर, लंगड़ा उसका मुंह देखने लगा, क्या बोल रहा भाई, कौन यीशु, किसकी बात कर रहे हो। पत्रस यूहन्ना ने कहा, विश्वास का कदम तो उठाना पड़ेगा। 6 पद में लिखा,
यीशु के नाम चल फिर, यीशु के नाम से चल, लेकिन सातवां पद में लिखा है, सातवां पद में लिखा है, पत्रस और यूहन्ना ने, पत्रस और यूहन्ना ने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, बोलो पत्रस ने उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, बोले उठ भाई, उठ भाई, बोल दिया ना उठ, बोल दिया ना उठ। आज बहुत सारे लोग अपने चमत्कार के लिए उठ नहीं रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जिनके लिए आज्ञा हो चुकी है, भविष्यवाणी हो चुकी है, प्रार्थना हो चुकी हो, लेकिन वो खड़े नहीं होना चाह रहे हैं। अरे खड़े हो जाओ, विश्वास का कदम उठाओ, बोलो विश्वास का कदम उठाओ, विश्वास का कदम उठाओ। पत्रस यूहन्ना ने हाथ पकड़ के उठा दिया, हाथ पकड़ के उठा दिया, क्या कर दिया, हाथ पकड़ के उठा दिया। प्रिय, मैंने अपनी जिंदगी में ये हाथ पकड़ के उठाने वाले कितने ही चमत्कार देखे हैं। लगभग जहां जहां मेरी सभाएं हुई हैं वहां लोगों को हाथ पकड़ के उठाया गया है। मैंने बोला लंगड़े रहने की जरूरत नहीं, उठा, क्या बोला, लंगड़े रहने की जरूरत नहीं, उठ जा, चलो फिरो, चलो फिरो, योर टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर। लाइव मीटिंग में आपने देखा होगा मैं लोगों को खड़ा करता, खड़े हो जाओ, चलो चलो फिरो, चल फिर के दिखाओ कैसा लग रहा है आपको, वर्क करो, खाना नहीं खाते बन रहा, खाओ अभी खाओ लाइव में। पिछली मीटिंग में बहन रूपाली सारथी करके एक बहन थी, इसने गवाही दी थी, 12,000 रुपया खर्च कर दिया, कई महीने हो गए यूरिन इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, प्रार्थना किया टोटली हील्ड हो गई वो यूरिन इन्फेक्शन से। अब क्या कहोगे आप इस विषय में, क्या कहोगे, विश्वास या अंधविश्वास? दिस द फेथ नॉट ए ब्लाइंड फेथ। ये विश्वास, बोलो देखता है, ये विश्वास देखता है, देखता है, देखता है। पत्रस यूहन्ना ने, पत्रस यूहन्ना ने जैसे ही हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ा, खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, पढ़ना क्या हुआ, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और, बोलो जब उठाया, जब उठाया, तब, तब, बैठे हुए नहीं, बैठे हुए नहीं, उठाया तब लिखा है वहां, उठाया, बोलो एक एक शब्द को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से पढ़ना है, पढ़ना है। लंगड़ा जब तक बैठा था, लंगड़ा जब तक बैठा था, बल नहीं आया, बल नहीं आया, पर लिखा है और उसने, उसने लंगड़े का, लंगड़े का दाहिना हाथ, दाहिना हाथ पकड़, पकड़ कर के उसे, उसे उठाया, उठाया और तुरंत, तुरंत उसके पांव, उसके पांव और टखनों में, और टखनों में बल आया, बल आ गया। पहले नहीं आया, पहले नहीं आया, बोलो जब उठाया, जब उठाया तब बल आ गया, बल आ गया। बोलो जब आप, जब आप विश्वास में उठते हैं, मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। तुम्हारी शादी रुकी है, तुम्हारी शादी रुकी है, शादियां रुकी है, शादियां रुकी है। जाओ शादी की तैयारी करो, जाओ शादी की तैयारी करो, बात टेंट वाले से बात करो, टेंट वालों से बात, गार्डन वाले से बात करो, गार्डन वालों से बात करो, टेंट वाले से बात करो, टेंट वालों से बात करो, गार्डन वाले से बात करो, गार्डन वालों से बात करो, कैटरिंग वाले से बात करो, कैटरिंग वालों से बात करो, सारी तैयारी कर लो, सारी तैयारी कर लो, तुरंत मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। जाओ, जाओ बच्चे के डायपर खरीद के लाओ, बच्चे के डायपर खरीद, बच्चे के कपड़े खरीद के लाओ, बच्चे के कपड़े खरीद के लाओ, बच्चे का पूरा, बच्चे का पूरा बॉडी किट लेकर आओ, बॉडी किट लेकर, उसका लोशन, उसका पाउडर सब लेकर आओ, सब लेकर आओ, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, यदि तुम विश्वास करोगे, विश्वास करोगे आपका लोशन एक्सपायर नहीं होगा, आपका लोशन एक्सपायर नहीं होगा, एक्सपायरी डेट नहीं आएगी। आमेन हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन हालेलुया। आप बोलो आपके पाउडर की, आपके पाउडर की एक्सपायरी डेट नहीं आएगी, एक्सपायरी डेट नहीं आएगी, लोशन की, लोशन की एक्सपायरी डेट नहीं आएगी, एक्सपायरी डेट उसके पहले उसको लगाने वाला आ जाएगा। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव, बोलो यही फेथ है, यही फेथ है जो मैंने बाइबल में देखा, जो मैंने बाइबल में देखा। आप जो कर रहे नहीं पता, जो कर रहे वो नहीं पता, मैंने जो सीखा है, मैंने जो सीखा है वो यही है, वो यही है। उसने लंगड़े को उठा दिया, उसने लंगड़े को उठा दिया। 40 साल से लंगड़ा था, 40 साल से लंगड़ा था। आप भी 40 साल इंतजार करते हो अपनी शादी का, अपने बच्चों का, अपनी नौकरी का, अपने कामों का, 40 साल इंतजार कर सकते हो, करो 40 साल, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आपको हमारी मिनिस्ट्री में रहना है तो हम तो पत्रस ने जैसे लंगड़े को उठाया वैसे ही उठाएंगे। या 40 साल इंतजार करने वाले लोग नहीं चाहिए मुझे, मैं तो आप बोलो लंगड़ा नहीं उठ रहा था, लंगड़ा नहीं उठ रहा था। पत्रस यूहन्ना ने बोला नहीं उठेगा ये, पत्रस यूहन्ना बोला नहीं उठेगा, हाथ पकड़ के उठा दो, हाथ पकड़ के उठा। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को हाथ पकड़ के उठाते, हमको लगता है कि आप नहीं उठ रहे हो, हमको लग रहा है आप काम नहीं कर रहे हो, हम खुद आपको हाथ पकड़ के उठा देते हैं, उठो भाई चलो, उठो भाई काम करो। बोलो दिस इज द फेथ, दिस इज द फेथ। याकूब की किताब निकाले मेरे साथ में, उसका 17-18 पद को पढ़े, दूसरे अध्याय के दूसरा अध्याय, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो, सब बोलो विश्वास भी, विश्वास भी
कर्म सहित न हो, कर्म सहित न हो, बोलो विश्वास भी, विश्वास भी कर्म सहित न हो, कर्म सहित न हो, बोलो विश्वास कैसा चाहिए, विश्वास कैसा चाहिए, कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ, कर्म के साथ, यदि तू विश्वास करती है, यदि तू विश्वास करती है, तो चल, तो चल, विश्वास करती हो, विश्वास करती तो ये करना है, ये करना है, विश्वास करते हो, विश्वास करते हो, तो आ जा, तो आ जा, बोलो एक बार की घटना है, एक बार की घटना, एक बार की घटना है, एक बार की घटना, एक बार की घटना है, चेले नाव में थे, यीशु पहाड़ पर था, रात हो गई, चेले नाव में घबरा रहे थे, नाव पानी से हिल रही थी, उनको लगा हम नष्ट होने वाले हैं। इतने में यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया और जैसे ही चेलों ने देखा यीशु को पानी पर चलता हुआ तो चेले चिल्लाए भूत है, कौन है, भूत है। आज भी बहुत सारे लोग की जिंदगी में यही लगता है, जब भी यीशु के चमत्कारों को देखते उनको नजर आता है कि भूत है। विश्वासी की बात कर रहा हूं मैं, गैर विश्वासी तो बोलते ही हैं। बोलो चेलों ने क्या कहा, चेलों ने क्या कहा, भूत है, भूत है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, भूत नहीं, भूत नहीं, मैं हूं, मैं हूं। लोगों को यह लगता था केवल भूत ही पानी पर चलते हैं। प्रियो, आपका और मेरा यीशु और उस पर विश्वास करने वाले भी पानी पर चलने वाले लोग हैं। बोलो सारे चेले, सारे चेले तमाशा देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, ये जो यहाँ लिखा है, जिसका नाम, जिसका यहाँ नाम लिखा है, जिसके बारे में प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, यही पत्रस ने कहा, यही पत्रस ने कहा, यदि तू है, यदि तू है, गुरु तू है, गुरु तू है, मुझे पानी पर आने की आज्ञा दे, पानी पे आने की आज्ञा दे। यीशु ने बोला आजा, यीशु ने बोला आजा, यीशु ने बोला आजा, यीशु ने बोला आजा, क्या कर, यदि विश्वास करता है, विश्वास करता है, आजा, आजा। आज यीशु आपको मना नहीं कर रहा, यीशु कह रहा यदि आप विश्वास करते तो आ जाओ। बहन यदि तू विश्वास करती तो व्हीलचेयर से खड़ी हो जा। भाई यदि तू विश्वास करता है तो आंखों से चश्मा हटा दे। बहन तू विश्वास करती है, अपने कमर का पट्टा हटा दे, गर्दन का पट्टा हटा दे। तो विश्वास करता है, करती है मेरे भाई और बहन, तो विश्वास के अनुसार काम कर मेरे भाई और बहन, विश्वास के अनुसार काम कर। बोलो पत्रस ने, पत्रस को यीशु ने कहा, पत्रस को यीशु ने कहा, पानी पे चलना है, पानी पे चलना है, आजा, आजा। बोलो यीशु कभी मना नहीं करता, यीशु कभी मना नहीं, यदि तू विश्वास करता है तो कर, यदि तू विश्वास करता, यीशु मना नहीं करता। बोलो परमेश्वर ने आपको चंगाई के लिए मना नहीं किया, चंगाई के लिए मना, चंगा होना चाहता है, उठ और खड़े हो जा। यीशु कभी भी आपको लाइफ पार्टनर देने के लिए मना नहीं करता, यदि तुम विश्वास करते हो तो तैयारी शुरू करो। यीशु कभी आपको बच्चा देने के लिए मना नहीं करता, यदि तुम विश्वास करते तो बच्चे की तैयारी करो। यीशु आपको जॉब के लिए मना नहीं करता, यदि तुम विश्वास करते तो जॉब की तैयारी करो। आप विश्वास करो, खुदा मेरी कल करेगा। आपको विश्वास का कदम उठाना है। बोलो जैसे, जैसे विश्वास कर्म सहित ना हो, विश्वास कर्म सहित ना, क्या पढ़ रहे हैं याकूब का, विश्वास कर्म सहित ना हो, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, बोलो विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो, न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कैसा है वो, अपने स्वभाव में मरा हुआ, कैसा है, अपने स्वभाव में मरा, कैसा है, अपने स्वभाव में, कैसा है, अपने स्वभाव में मरा हुआ। बोलो विश्वास भी, विश्वास भी कर्म सहित न हो, कर्म सहित न हो, वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। बोलो हमें विश्वास को जिंदा विश्वास रखना है, हमें विश्वास पे जिंदा विश्वास रखना है। जितने लोग अभी मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी शेयर करें, आप अभी शेयर करें, अभी लोगों को शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं, जाइए आप शेयर करें, जो आपको ऑनलाइन दिख रहा है ग्रीन कलर का बटन उसके ऊपर दिख रहा है, सबको ये जाकर लाइव शेयर करें। बोलो सुन लो कि तुम्हारा विश्वास कहां पर है, अभी शेयर करो जाकर, उन्हें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द फेथ। बोलो यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है, यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। कम ऑन चर्च, यदि हमारा विश्वास कर्म सहित नहीं है तो मरा हुआ विश्वास लेकर हम घूम रहे हैं। और एक मरा हुआ व्यक्ति कोई काम कर सकता है क्या? बोलो मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति खा नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पी नहीं सकता, मरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता, मरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। यदि आपके पास, यदि आपके पास कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, कोई मरा हुआ व्यक्ति, आप बोलो पानी लेके आ, बोलो कि पानी लेके, कोई ला रहा है क्या वो, आप आवाज मार रहे हैं, आप आवाज मार रहे हैं, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो मर चुका है, वो मर चुका है। बाऊजी बोलो, बाऊजी उठ क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे, वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं। आप समझ पा रहे हैं? यस। आप समझ पा रहे हैं? यस। वैसे ही यदि विश्वास में से कर्म को निकाल दोगे ना, काम
विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहे हो ना, तो हमारा विश्वास भी एक मरा हुआ विश्वास है जो रोडों पर सड़कों पर हर प्रेयर मीटिंग में घूम रहा है, हर लाइव मीटिंग में चिपक रहा है ये विश्वास। और लोग विश्वास करते हो बहुत करते हैं जी, विश्वास करते हो बहुत करते हो जी, विश्वास करते हो बहुत करते हैं जी, विश्वास करते हो बहुत करते हैं जी। यदि विश्वास करते हो दारू छोड़ दो नहीं मरोगे, विश्वास करते हो व्यभिचार छोड़ दो नहीं मरोगे। कई लोग कहते हैं अरे पोस्टल जी मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, उस लड़के को नहीं छोड़ सकता, शादी के बाद भी नहीं छूट रहा है, शादी के बाद भी नहीं छूट रहा है तुमसे, शादी के बाद में भी मैरिटल अफेयर नहीं छूट रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं छूट रहे हैं, उसको छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। छोड़ देना भाई, मैं देखता हूं कैसे मरता है तू, मेरे पास मैं कहता हूं तेरे को कैसे मरता, देखो मेरी आंखों के सामने मर जाना। नहीं मरोगे, मेरा बिलीव है। कई लोग आकर कहते हैं हम शराब छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, सिगरेट छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, सिगरेट छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। मैं भी तो देखूं कैसे मरोगे, मेरा बिलीव है आप ना मरोगे, आप मरोगे नहीं, आप मरोगे नहीं मेरे भाइयों बहनों। यीशु ने कहा यदि विश्वास करता है तो आजा। पतरस योहना ने विश्वास से उसके हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल के रहा, खड़े हो जा। आज आपको ऐसे ही विश्वास की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों, आज आपको ऐसे ही विश्वास की जरूरत है जो मिरेकल्स लाएगा, ऐसा ही विश्वास मिरेकल लाएगा। चश्मा हटा दो आज, मैं चाहता हूं आप बिना चश्मे के आज लाइव अटेंड करें, आप अपनी वाकर से बाहर आ जाओ, अपनी स्ट्रिक्स को हटा दो, कमर से पट्टे हटा दो, बाहर निकल आओ उस शैतान की गुलामियों से, असीमितता से, सीमित से, लिमिटेड से अनलिमिटेड की ओर आगे आओ। बाहर आइए प्रियो, बोलो हमारी बनाई हुई दीवारों से बाहर आइए, हमारे बनाए हुए कैद खाने से बाहर आइए, अपनी जंजीरों को तोड़ दीजिए, ये जंजीरें शैतान और स्वयं की ओर से है, बाहर आइए, विश्वास के साथ काम कीजिए। यदि तो विश्वास करता है तो आजा, विश्वास करता है आजा, आजा। पतरस, पतरस क्या तू विश्वास करता है, विश्वास करता है आजा, आजा। बोले विश्वास के साथ चलना, विश्वास के साथ चलना, पानी पे चलना है, पानी पे चलना है। आपको क्या लगता है विश्वास के साथ चलना कबड्डी खेलना है? बोलो विश्वास के साथ चलना, विश्वास के साथ चलना, वॉकिंग ऑन वाटर, वॉकिंग ऑन वाटर, वाटर वॉकिंग, वाटर वॉकिंग, पानी चलना है, पानी पे चलना है। क्या करना है? पानी पे चलना है। विश्वास पे चलना क्या होता है? पानी पे चलना। बोलो एपोस्टल जी बताइए, एपोस्टल जी बताइए, बोलो एपोस्टल जी बताइए, एपोस्टल जी बताइए, विश्वास से चलना क्या होता है? विश्वास से चलना क्या होता है? पानी पर चलना, पानी पर चलना। बोलो पानी पर, पानी पर बारह में से एक लोग चलते हैं, बारह में से एक लोग चलते हैं। आज जितने लाइव देख रहे हो ना, आपका प्रतिशत पता है मुझे? याद रखो नाव में 12 लोग थे लेकिन एक ही व्यक्ति चला था, उसका नाम था पतरस, जिसके बारे में प्रेरित काम तीसरे अध्याय में प्रचार कर रहा हूं। वही रेशियो होता है आज, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी पानी पे नहीं चलेंगे, उन 12, बोलो 12 ही चेले थे, 12 चेले थे, 11 नहीं थे, 12 चेले थे, 12 चेलों में से भी विश्वासी की बात नहीं कर रहा, चेले थे, यीशु के साथ रहने वाले, उन 12 में से केवल एक ही निकला जो विश्वास के साथ चला, विश्वास के साथ चला, बाकी बाकी नाव में बैठ के तमाशा देख रहे थे, नाव में बैठ के तमाशा देख और इंतजार कर रहे थे, और इंतजार कर रहे पतरस कब डूबेगा। आज यही होता है, आज सारे विश्वासी, सारे विश्वासी नहीं चलते, नहीं चलते, एक व्यक्ति विश्वास से चलता है, एक व्यक्ति विश्वास, बाकी सारे लोग इंतजार करते हैं ये कब डूबेगा। बोला था होशियार बन रहा था, क्या बोलेंगे? बोला था होशियार बन रहा था। लोगों को आपकी बेइज्जती करने दो, लोगों को आपके विरोध में बोलने दो, लेकिन याद रखो पतरस, बाइबल में लिखा है पतरस पानी पर चला, चाहे वो 2 कदम चला हो, चाहे वो 4 कदम चला हो, लेकिन बाइबल ये बताती पतरस पानी पर चला। क्या चाहते हो आप? कि आपके लोग कहे कि आप तो नाव में बैठे थे, या आपको कहे कि आप पानी पर चले? आपके लोग आपको कहें कि आप पानी पर चले थे या नाव में बैठे थे? बोलो नाव में बैठे हुए लोगों के नाम नहीं है, नहीं।
नाव में बैठे हुए लोगों के नाम नहीं है। बाइबल पत्रस का नाम मेंशन करती है। पत्रस के नाम पर लिखा है पीटर इज वॉकिंग ऑन वाटर, कुछ कदम पानी पर चला है। बोलो डूब जाएंगे कोई बात नहीं, यदि आप विश्वास से चलते हो यीशु आपका हाथ पकड़ेगा, बाहर निकाल देगा, डूबने नहीं देगा। यीशु आपको डूबने नहीं देगा। विश्वास करने वाले को यीशु कभी डूबने नहीं देगा। विश्वास करने वाले को यीशु डूबने नहीं देगा। आप विश्वास चलते हो, आप डूबने की चिंता छोड़ दो, यीशु आपका हाथ पकड़ेगा, बाहर निकालेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। पढ़ना उसको 17-18। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म सहित न हो तो कैसा है? मरा हुआ है। हाँ? परं कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। प्रियो यहाँ पर याकूब बोल रहा है, कोई कहता है मुझे विश्वास है, तो मैं याकूब कह रहा है कि तू अपना विश्वास मुझे कर्म के बिना दिखा। आप कहते हो विश्वास है लेकिन काम नहीं कर रहे हो। कितने लोग आते हैं हमारा जूस निकालते हैं पकड़कर, हम और उनको काम का बोलते हैं विश्वास के साथ काम करो, काम नहीं करेंगे। वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चीखेंगे और इल्जाम भी लगाएंगे, हम इतने समय से लाइव मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने समय, वो तो यीशु को छोड़ने की धमकी भी दे देते हैं। अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अब हम लाइव मीटिंग में नहीं आएंगे, अब हम चर्च नहीं आएंगे। यहां तक धमकियां देते हैं लोग, यहां तक सबकी सुनना पड़ती है। हमारे लीडर्स लोग जहां तक मुझे भी धमकी देते हैं, लोग सुनते हैं, क्या करें, सुने हम, क्योंकि परमेश्वर हमें जवाब देने के लिए रखा है। हम मसीह के और से उनके राजदूत थे, हम जवाब देने वाले लोग हैं। उनके हाथ पैर जोड़ते, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, आप प्रार्थना करो, उनके हाथ पैर जोड़ते हम धमकी देते हैं, अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम इतने समय से प्रार्थना करें हमारा क्या हो रहा है, हम इतने समय से लाइव मीटिंग में आ रहे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम इतने समय चर्च आ रहे हमको कुछ भी हमारी जिंदगी में काम नहीं हुआ। सारी जिंदगी आते रहो, यदि विश्वास का कदम नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होगा। यदि मैं आपको विश्वास का कदम उठाने के लिए कहता हूं, यदि मेरे चर्च लीडर्स लोग आपके पास कॉल करते हैं और आपको कहते हैं विश्वास का कदम उठाओ, नहीं उठाते। विश्वास का कदम, आप विश्वास का कदम जैसे ही उठाएंगे वैसे ही मिरेकल्स आपकी जिंदगी में आ जाएगा। मैंने बताया था आपको, मेरा इंदौर शहर में आना एक विश्वास का कदम था। 2014, 15, 16 और 17 चार साल घर से सेवकाई कर रहा था मैं। परमेश्वर चाहता था कि मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ू, अब विश्वास का कदम उठाना था। प्रियो मैंने जो रिस्क लिया ना, आप डरोगे कापोगे इसको लेने से पहले। मेरी पत्नी और 1 साल 4 महीने का बच्चा, 1 साल 2 महीने का बच्चा, 14 महीने का बच्चा था मेरा, 14 महीने का बच्चा, मेरी पत्नी और मैं अपने कंफर्ट जोन को, अपने घर को छोड़कर इंदौर शहर में आ गया विश्वास का कदम उठाकर। अब प्रश्न था किराया घर का कौन भरेगा, राशन का पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे के दूध का पैसा कहाँ से आएगा, घर में सब्जी कहाँ से आएगी। उस समय मेरे चर्च में कोई हजारों लोग नहीं थे मेरे भाई बहनों, उस समय मेरे चर्च में 10-15 लोग थे। 10-15 लोग मेरी चर्च की सभाओं में आया करते थे, उन 10-15 लोगों में भी मुश्किल से 1 या 2 थे जो अपने दशवांशों को दिया करते थे, भेंटों को दिया करते थे। और भेंट, दशवांश, क्या बताऊं आपको, बच्चे का दूध और सब्जियां आ जाए बहुत है, बच्चे का दूध, महीने भर का दूध और सब्जियां आ जाए बहुत है, इतना इतना फाइनेंस चर्च से। विश्वास का कदम, बोलो विश्वास का कदम, विश्वास का कदम खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है उठाना है, उठाना है। अब्राहम ने भी विश्वास का कदम उठाया। अब्राहम को कहा खुदा ने, अब्राहम को कहा
सब कुछ छोड़ और निकल वहां से, विश्वास है। अब्राहम ने कहा खुदा ट्राई करूंगा। बोले विश्वास ट्राई करने से आता है बैठने से नहीं आता। पतरस से बोला था पतरस ने बोला पानी पे ट्राई तो करूं, ट्राई बिकम ए परफेक्ट, कोशिश से आप परफेक्ट बनते हैं। मैंने विश्वास किया खुदा पर कि खुदा मेरे किराए का इंतज़ाम करेगा करके, खुदा मेरे बच्चे के दूध का इंतज़ाम करेगा, खुदा मेरे घर में सब्जी का इंतज़ाम करेगा, खुदा मेरे घर में किराने का इंतज़ाम करेगा। एक साल चार महीने के बच्चे को गाड़ी पर आगे बिठाकर अपनी पत्नी को मैं विजिट करने लोगों के घर जाया करता था, मैं लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाया करता था, मैं खुदा की सेवकाई करने जाया करता था। एक फैमिली में बहन के साथ में बैठकर हम चार लोग पूरे उस कॉलोनी के लिए प्रार्थना किया करते थे। कई महीने हम लोगों ने प्रार्थनाएं किया, चार लोग मिलकर प्रार्थना किया करते थे। मेरा बिलीव था आने वाले समय में ये चार हजारों में बदलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, विश्वास से कदम उठाना जरूरी था। मुझे मेरे घर में सब कुछ मिल रहा था, खाना मिल रहा था, पीना मिल रहा था, घूमना मिल रहा था, सारे आराम की चीज़ें मेरे घरों में थी मेरे पास, फिर विश्वास कहाँ रहा? यदि आज मैं विश्वास का कदम नहीं उठाता तो मैं आज आपके सामने लाइव नहीं होता, वही लेवल होता, घर का लेवल। प्रियो, विश्वास का कदम उठाइए, आप विश्वास का कदम उठाइए। आज हमारा परमेश्वर हमारी जरूरत से बढ़कर हमारी जरूरतों को पूरी कर रहा है। जिस बारे में हमें डर लगता था कि एक 10 रुपये का चॉकलेट बच्चे को खिलाना है हम लोगों को, तो मैं बच्चे को 5 रुपये का चॉकलेट खिलाता था, 5 रुपये का चॉकलेट खिलाता था बच्चे को मैं, कि 10 रुपये का चॉकलेट मुझे महंगा लगता था। आज खुदा ने अपना अनुग्रह किया है, बच्चा जिस चीज़ पर हाथ रखता है उसके पिता को परमेश्वर ने आशीष दिया कि उसको दिलाता है। वो चॉकलेट जो 5 रुपये की चॉकलेट खरीदने में डर लगता था, आज चॉकलेटों की लाइन लगती जब वो मांगता है खाने के लिए। प्रियो, कुछ भी अपने आप नहीं होता, आपको और मुझे विश्वास का कदम उठाना पड़ता है, आपको और मुझे विश्वास का कदम उठाना पड़ता है। कुछ भी अपने आप नहीं हो गया। आप जब विश्वास में बने रहेंगे आपके जिंदगी में संघर्ष आएंगे। मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है 2018 जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लिए मेरा फाइनेंस जीरो हो गया था। जो लोग दशमांश दे रहे थे उन्होंने दशमांश देना बंद कर दिया था, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने सपोर्ट देना बंद कर दिया था। जुलाई गुजर गया, मैंने बोला कुछ नहीं मिल रहा है। अगस्त गुजर गया, मैंने कुछ नहीं हो रहा है। जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, मैंने कहा खुदा मैं इंदौर नहीं छोड़ने वाला, खुदा मैं सेवकाई भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बिलीव करूंगा तुझ पर मेरे परमेश्वर। प्रियो, कई बार जब आप विश्वास में चलोगे आपके पास चुनौती आएगी। आप मत सोचो जून में आपके पास कोई फाइनेंस नहीं आ रहा है, जो लोग आपको सपोर्ट करते थे उन्होंने बंद कर दिया आपको पैसा देना। जुलाई में कोई पैसा नहीं दिया मुझे, अगस्त में कोई पैसा नहीं आया, 3 महीने कोई पैसा नहीं आया। मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताई ये बात, वो डरेगी, वो परेशान होगी, वो घबराएगी, किसी को ये बात नहीं बताई मैंने। केवल परमेश्वर पे भरोसा किया और प्रार्थना की, मेरे परमेश्वर तू लेकर आया। परमेश्वर परखता है, परमेश्वर चेक करता है, परमेश्वर टेस्ट करता है, परमेश्वर आपको बताएगा कि तू विश्वास में है कि नहीं है, कि तुझे मैं दे रहा हूं तो तू मेरी सेवा कर रहा है। मैंने कर ले खुदा तू भी प्रैक्टिकल। जून नो फाइनेंस, जुलाई नो फाइनेंस, अगस्त नो फाइनेंस, सितंबर आ गया। मैंने कहा खुदा अब क्या होगा। प्रियो, परीक्षा का दिन खत्म हुआ, सितंबर के बाद में अक्टूबर से खुदा ने हेवनली डोर्स खोले, स्वर्ग के
दरवाजे को खोला प्रियो, और आज तक वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। उसने टेस्ट करके देख लिया कि ये जो व्यक्ति है ये सचमुच खुदा के लिए आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सचमुच खुदा के लिए आए हो तो आप हर परिस्थिति में खुदा के पास खड़े रहोगे। आप कहोगे प्रभु तू मुझे चंगा करे ना करे मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु तू मुझे आशीष दे ना दे मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु तू मुझे घर दे ना दे तेरी सेवा करूंगा, प्रभु तू मुझे बच्चा दे ना दे मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु तू मुझे दे ना दे मैं तेरी सेवा करूंगा। आज ऐसे लोगों को खुदा ढूंढ रहा है जो ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से, पवित्रता से और पूरे सच्चे मन से खुदा की सेवा करें। शैतान ने अय्यूब से, अय्यूब के लिए दोष लगाया, बोलो शैतान ने दोष लगाया, शैतान ने दोष लगाया, शैतान ने दोष लगाया, शैतान ने दोष लगाया अय्यूब के लिए, अय्यूब के लिए। उसने कहा कि अय्यूब, अय्यूब बिना लाभ के, बिना लाभ के क्या खुदा का भय मानता है, खुदा का भय मानता है। आज वो भी आप पर मुझ पर दोष लगाता है, आज वो भी आप पर मुझ पर दोष और कहता है, और कहता है क्या अपोस्टल, क्या अपोस्टल, क्या अपोस्टल रोहित, क्या अपोस्टल बिना लाभ के खुदा का भय मानता है, लाभ के खुदा का भय मानता है। सन 2018 जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ नो फाइनेंस, 4 महीने। कम ऑन चर्च, बोलो विश्वास में अड़े रहे और खड़े रहे हैं, विश्वास में अड़े रहे और खड़े रहे, विश्वास में बने रहे हैं, विश्वास में बने रहे हैं, विश्वास में अड़े रहे खड़े रहे बने रहे हैं, विश्वास में अड़े रहे खड़े रहे बने रहे। यदि आप बने रहोगे, यदि आप बने रहोगे खुदा आकाश के झरोखे खोलेगा, खुदा आकाश के झरोखे खोल देगा। वो दिन आज भी मुझे याद है, वो दिन आज मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता, वो 4 महीने भूल नहीं सकता, 4 महीने भूल नहीं सकता, मेरे घुटने, मेरे घुटने, मेरे आंसू, मेरे आंसू जो खुदा के लिए थे, खुदा के लिए। मैंने कहा खुदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मिनिस्ट्री नहीं छोड़ूंगा, इंदौर भी नहीं छोड़ने वाला, इंदौर भी नहीं छोड़ने वाला। अब तू लेकर आया है, तू लेके आया, तू जाने, तू जाने। हालेलुया, हालेलुया। और जो दरवाजा खुला है ना, जो दरवाजा खुदा ने खोला है ना, आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, वो आशीष खुदा हमारे दे रखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो याकूब ने कहा, याकूब ने कहा तू अपना विश्वास, तू अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा, बिना कर्म के दिखा, और मैं अपना विश्वास, मैं अपना विश्वास कामों से दिखाऊंगा, कामों से दिखाऊंगा। प्रियो आज, आज अपने विश्वास को कामों से दिखाएं, अपने विश्वास को कामों से दिखाएं। बोलो सब अपने विश्वास को कामों से दिखाओ, अपने विश्वास को कामों, उस पद को फिर से पढ़ें, अपने विश्वास को कामों से दिखाएं। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो, तुम अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, बिना कामों के दिखाओ, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के, अपने कामों के द्वारा दिखाऊंगा, मुझे दिखाऊंगा। कितने लोग तैयार हैं इस चुनौती को ग्रहण करने के लिए जो याकूब दे रहा है? क्या आप आज याकूब की चुनौती ग्रहण कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों? क्या आज आप याकूब की चैलेंज को ले सकते हैं? याकूब बोल रहा है तुम बिना कर्म के विश्वास करो। आज दुनिया पड़ी है, कुछ करना नहीं चाहते वे लोग, और कह रहे हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते, विश्वास करते हैं। विश्वास करते हो नाव में से निकलो और पानी पे चलना शुरू करो। पानी पे चलना है तो डूबने का खतरा है प्रियो, आपको हमेशा से बता के आया हूं कि मेरे जो लोग थे वो कह रहे थे 3 महीने में भागकर घर जाएगा वापिस, ये इंदौर शहर में किराए से रहना, किराए का पैसा कर आ जाए वही बहुत है इनके लिए। मैं भी अपने मन में ठान कर आया था कि ये व्यक्ति की बात पूरी नहीं होने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो वापिस छोड़कर नहीं आऊंगा। लॉकडाउन में भी ऑप्शन था, मिनिस्ट्री बंद हो चुकी है, घर जाओ, शैतान तैयार था मुझे घर ले जाने के लिए। मैंने बोला यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, बोलो वचन कहता है, वचन कहता है यदि तू विपत्ति के समय, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, साहस छोड़ दे। कई लोग तकलीफों में हिम्मत हार जाते हैं, बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, हिम्मत छोड़ दे, तो तेरी शक्ति कहाँ रहेगी? प्रियो विपत्ति के समय साहस न छोड़े, हिम्मत न छोड़ो, तैयार रहो, तैयार रहो खुदा के सामने, अड़े रहो और खड़े रहो। बोलो पत्रस यूहन्ना, पत्रस यूहन्ना, पत्रस इस बात को जानता था, पत्रस इस बात को जानता था, पत्रस को ये बात पता थी, पत्रस को ये बात पता था कैसे मैं पानी पर चला था। आज भी मुझे इस लंगड़े को खड़ा करना है, इस लंगड़े को खड़ा करना है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो मर्जी, लंगड़ा चले नहीं चले, लंगड़ा चले नहीं चले, मैं इसे चलाऊंगा, मैं इसे चलाऊंगा।
पतरस ने हाथ पकड़ा खींच लिया ऊपर। ए लंगड़े चल अब चल, बहुत बैठ लिया तू, चल अब बहुत बैठ लिया। लंगड़े को उठाया जैसे खड़ा किया उसके टखनों में बल आ गया, उसके पाँव में ताकत आ गई। तब क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे आप लोग। और उसने तो दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, हाँ। और तुरंत उसके पाँव और टखने बोलो तुरंत आया, तुरंत आ गया। बोलो जैसे ही आप विश्वास से कदम उठाते हैं तुरंत मिरेकल होता है, तुरंत मिरेकल आएगा। यदि आप तुरंत मिरेकल चाहते हैं विश्वास का कदम उठाएं। बोले यीशु के नाम से कमांड किया, नहीं चला, जैसे विश्वास का कदम उठाया मिरेकल हो गया। यदि आप विश्वास का कदम उठाओगे, 40 साल हो गए आप, 40 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुआ है, विश्वास का कदम उठाइए, तुरंत मिरेकल होगा। बोलो जो ये लंगड़े के ऊपर चमत्कार हुआ, उसकी एज कितनी थी पता है आपको? 40 ईयर 40 साल का था, 40 साल से लंगड़े हुआ, 40 साल से लंगड़ा था। बोले आप भी 40 साल इंतजार कर सकते हो, 40 साल इंतजार, कोई मिरेकल नहीं होगा, जब तक आपको हाथ पकड़ के ना उठाया जाए, उठ जाइए आज। आप जहाँ भी गिरे हो उठ जाओ, आप विश्वास में जहाँ गिरे हो खड़े हो जाओ मिरेकल हो जाए, मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू, चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। आप मत कीजिए, आप तो बस खड़े हो जाइए। बाइबल कहती है जैसे ही वो खड़ा हुआ तुरंत उसके पाँव में, उसके घुटनों में, पाँव में बल आ गया। बोलो पावर आ गई, स्ट्रेंथ आ गई। इंग्लिश में लिखा है एंड सीजिंग हिम बाय द राइट हैंड ही राइज हिम अप एंड इमीडिएटली, बोलो इमीडिएटली सबका इमीडिएटली हिज फीट एंड हिज एंकल्स, बोलो हिज फीट एंड हिज एंकल्स वर स्ट्रेंथनिंग, बोलो स्ट्रेंथनिंग, बोलो सामर्थ को ग्रहण करना, सामर्थ को पाना, स्ट्रेंथनिंग मजबूती को प्राप्त करना। आपको किस फील्ड में स्ट्रेंथ की जरूरत है आज? आप कहां स्ट्रेंथनिंग चाहते हैं प्रियो? मेरा परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देने जा रहा है। आपकी जॉब में आप स्ट्रेंथ पा रहे हो, आपकी फैमिली में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी बिजनेस में आप स्ट्रेंथ को पा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करें, आमीन करके, हालेलुया। और क्या हुआ, अगली बात को देखें। वह उछलकर खड़ा हो गया। क्या हो गया? उछलकर खड़ा हो गया। क्या हो गया? उछलकर खड़ा हो गया। आप बोलिए क्या हो गया? खड़ा हो गया। उछलकर खड़ा हो गया। बोलो मानो बंदूक की गोली चली हो। डिश, बोलो बंदूक की गोली चली हो। डिश, बोलो उछलकर खड़ा हुआ, बंदूक की गोली के समान, बंदूक की गोली। आज आपका मिरेकल भी, उछलकर खड़ा होने के लिए तैयार है, आपका मिरेकल, उछलना चाहता है, खड़े होना चाहता है। आप उसको लंगड़ा बना के बिठाए हो, आपने उसको लंगड़ा करके बिठाया, हाथ पकड़ के उठा दो, बोले लंगड़े अब चल। हालेलुया, हालेलुया। देखो क्या लिखा है, पढ़ना उसको। वो उछलकर खड़ा हो गया। सब बोलो उछलकर खड़ा हो गया। सब कहें उछलकर खड़ा हो गया। अरे उछलकर खड़ा हो गया। अरे उछलकर खड़ा हो गया। हाँ, चलने फिरने लगा। क्या करने लगा? क्या करने लगा? चलने फिरने। बोले तुम्हारा बिजनेस उछलकर खड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी फैमिली चल रही है यीशु के नाम में। तुम्हारी फैमिली उछलकर खड़ी और चलने फिरने लगे। तुम्हारा बिजनेस उछलकर खड़ा और चलने फिरने लगे। तुम्हारा मैरिज प्रपोजल उछल कर खड़ा हो चलने फिरने लगे। तुम्हारी जॉब उछल कर खड़ी हो चलने फिरने लगे। तुम भी शरीर उछल कर खड़े हो जाओ, चलने फिरने लगो। तुम्हारा लेवल उछल कर खड़ा होकर चलने फिरने लगे। अनॉइंटिंग उछल कर खड़ी हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, उछल कर खड़े हो जाए, चलने फिरने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, उछल कर खड़े हो जाए, चलने फिरने लगे, चलने फिरने लगे, चलने फिरने लगे। तुम्हारा जॉब चलने फिरने लगे। तुम्हारा फैमिली चलने फिरने लगे। तुम्हारा मैरिज का रिश्ता चलने फिरने लगे। ओ बच्चे की प्रोसेस, जॉब, बिजनेस, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, योर मिनिस्ट्री, योर फाइनेंस, ओ चलने फिरने लगे, इन द नेम ऑफ जीसस।
In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Name of Jesus. Amen. Name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 उछल कर चलने फिरने लगे यीशु मसीह के नाम में. और क्या हुआ फिर उसके बाद में? Then वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा. हाँ? और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया. बोलो दूसरी बात. दूसरी बात, परमेश्वर की स्तुति करता हुआ. परमेश्वर की स्तुति करता हुआ. बोलो खुदा आपके जीवन में काम क्यों करना चाहता है? खुदा आपके जीवन में क्यों काम करना चाहता है? परमेश्वर आपको चंगा करना क्यों चाहता है? परमेश्वर आपको चंगा क्यों करना चाहता है? बहनों, बहनों, आपको बच्चा क्यों देना चाहता है? आपको बच्चा क्यों देना चाहता है? भाई और बहनों, भाई और बहनों, आपको लाइफ पार्टनर क्यों देना चाहता है? आपको लाइफ पार्टनर. बिजनेस क्यों देना चाहता है? बिजनेस क्यों देना चाहता है? आपको जॉब क्यों देना चाहता है? जॉब क्यों देना चाहता है? आपको हैप्पीएस्ट मैरिज लाइफ क्यों देना चाहता है? आपको हैप्पीएस्ट फैमिली लाइफ क्यों देना चाहता है? ताकि आप उसकी स्तुति करें. स्तुति करें. क्या करना है? स्तुति. क्या करना है? स्तुति. क्या करना है? स्तुति. बोले आज, आज जब आप चंगे हो चुके हो, जब चंगे हो चुके हो, उसकी स्तुति करें. अभी से, अभी से आप स्तुति करना शुरू करें. स्तुति करना स्टार्ट. वर्शिप टू द लॉर्ड. वर्शिप टू द लॉर्ड. पूरा भजन संहिता, भजन संहिता. दाऊद ने स्तुति से भर दिया है. दाऊद ने स्तुति से भर. उसने कहा है मेरे मन, उसने कहा है मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर. यहोवा को धन्य कह. यहोवा की स्तुति करो. स्तुति करो. उसके आंगनों में स्तुति करो. भजन संहिता 100 निकाले. उसके चार पद को देखिए क्या लिखा है. प्रियो तैयार हो जाए. उसके फाटकों से धन्यवाद. बोलो उसके फाटकों से धन्यवाद. उसके फाटकों से धन्यवाद. हाँ. और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो. प्रियो ये लंगड़ा स्तुति करना भूल चुका था. ये लंगड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल चुका था और उसके फाटकों में जाना भूल चुका था. क्योंकि परमेश्वर के भवन में जाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में स्तुति होना जरूरी है. कोई भी व्यक्ति बिना स्तुति के उसके फाटकों से प्रवेश नहीं कर सकता था. बोलो दाऊद कहता है उसके आंगनों में स्तुति करते हुए जाए. परमेश्वर की आज्ञा थी. परमेश्वर की आज्ञा थी. उसको मुंह दिखाने वाले लोग स्तुति करते हुए आंगन में प्रवेश करते थे. लेकिन ये लंगड़ा मुंह लटकाए हुए आंगन के बाहर बैठा करता था. मंदिर के फाटक पर बैठता था. दाऊद कहता है उसके आंगनों में, उसके आंगनों में, उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ. उसके शासन में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया. मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ. मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ. मैं खुश हुआ कि आनंदित हुआ. प्रियो ये खुदा की आज्ञा है आपके और मेरे लिए कि जब भी आप और मैं उसके आंगन में प्रवेश करें, जब भी आप और मैं उसके फाटकों में प्रवेश करें, हम धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करें. बोले खुदा की मर्जी है. खुदा की मर्जी है. खुदा की इच्छा है. खुदा की इच्छा है. हम स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें. ओ ये लंगड़े का चंगाई होना, लंगड़े की चंगाई उसकी जिंदगी में स्तुति लेकर आई. आज प्रभु आपको चंगा करना चाहता है ताकि आप उसकी स्तुति कर सके. कितने लोग हैं जो उसकी स्तुति करना चाहते हैं? ओ प्रेस टू द लॉर्ड, प्रेस टू द किंग्स ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. उसकी स्तुति करें. राजाओं के राजा की स्तुति करें. प्रभु के प्रभु की स्तुति करें. यहोवा हमारा चरवाहा स्तुति करें. वो महान है उसकी स्तुति करें. अब्बा खुदा की स्तुति करें. प्रेमी पिता की स्तुति करें. प्रेमी परमेश्वर की स्तुति करें. यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें. याहब की स्तुति करें. आइए हम उसकी स्तुति करें. प्रेज टू द लॉर्ड, प्रेज टू द किंग, प्रेज टू द ऑलमाइटी. हालेलुया, हालेलुया. 106 का एक पद देखिए. भजन संहिता 106 का पहले पद को देखिए. वहां पर भी यही बात लिखी है. कम ऑन चर्च, ला ब्रोंडा नामा से खेले बे. यहाँ की स्तुति करो. क्या करो? 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 यहाँ की स्तुति करो. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है. क्योंकि वो भला है. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है.
यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो, हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। बोलो आप और मैं, आप और मैं प्रभु की स्तुति के लिए बनाए गए हैं, रचे गए हैं, बुलाए गए हैं ताकि हम उसकी स्तुति करें। आपकी बीमारी, आपकी दुर्बलता, आपकी समस्या परमेश्वर की स्तुति करने में रुकावट है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है ताकि आप उसकी स्तुति कर सकें। बाइबल बताती है लंगड़ा परमेश्वर की स्तुति करना भूल गया। बोलो बीमार, आज परमेश्वर की स्तुति करना भूल चुके हैं। बीमार अपने बेचारेपन में, बीमार अपनी तकलीफों में, अपनी समस्याओं में उन्हीं के गीत गाते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मेरे पति ने छोड़ दिया है, मेरी पत्नी ने छोड़ दिया है, मुझे पता नहीं हो रहा है, मेरी जॉब नहीं चल रही, मेरी बिजनेस नहीं चल रहा। वो इसी यही गाने गाते हैं, वो उनके गाने सुनेंगे आप, वो जब भी आएंगे, जब भी लाइव पर आएंगे। अभी कई सारे कैसेटें बज रही है, कितने सारे लोग गाने बजा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। इसके बजाय वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, वो वर्शिप नहीं कर रहे हैं, वो अपने दुख के गाने गा रहे हैं। मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, बीबी छोड़ गई, बच्चा छोड़ गया, पति छोड़ गया, बीमारी ने पकड़ लिया, जादू टोना ने पकड़ लिया, दुष्ट आत्मा सता रहा है, बोझ परेशान कर रहा, पैसे नहीं मिल रहे, हाय पैसा, हाय नौकरी, हाय परिवार, वो स्तुति नहीं कर रहे। दे आर स्टार्टेड कंप्लेनिंग 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 स्टार्टेड कंप्लेनिंग ओ जोएल ऑस्टिन सेज स्तुति करने वाला, बोलो शिकायत करने वाला रहे यहीं का यहीं, शिकायत करने वाला आपको वहीं मिलेगा, आपको वहीं मिलेगा। लेकिन स्तुति करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं, पहुंचे कहीं का कहीं। स्तुति आपको स्वर्ग में पहुंचा देगी, क्योंकि वहां स्तुति है, वहां स्तुति है। कंप्लेन आपको नरक ले जाएगी, नरक ले जाएगी, क्योंकि नरक में लोग केवल कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। हालेलुया। ये लंगड़ा परमेश्वर की स्तुति करना भूल चुका था, उसको अपनी तकलीफ में, लंगड़ा हूं मैं, बेचारा हूं, मुझे पैसे दो, मुझे ये दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। लंगड़ा वर्शिप करना भूल चुका था, लंगड़ा स्तुति करना भूल चुका था। बोलो मिरेकल, मिरेकल आपकी जिंदगी में वर्शिप लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में वर्शिप लेकर मिरेकल, मिरेकल आपके मुंह से स्तुति लेकर आएगा, आपके मुंह से स्तुति लेकर आएगा। बोलो छह पद हमें नहीं बताते एक से लेकर छह पद हमें नहीं बताते, लंगड़े ने वर्शिप किया, लंगड़े ने स्तुति किया, लेकिन आफ्टर हीलिंग, आफ्टर मिरेकल वो वर्शिप कर रहा है, वर्शिप कर रहा है। बोले मिरेकल क्यों जरूरी है, हीलिंग क्यों जरूरी है, हीलिंग और मिरेकल आपकी जिंदगी में वर्शिप लेकर आएंगे। अभी कई आपको ज्ञानचंद लोग मिलेंगे, ज्ञान बांटने वाले लोग, चंगाई छुटकारा जरूरी नहीं है, चंगाई छुटकारा जरूरी नहीं है, चंगाई छुटकारा जरूरी नहीं तो हॉस्पिटल क्यों जा रहा है भाई। ये जितने लोग चंगाई छुटकारे का विरोध कर रहे हैं ना, उनके घर जाओ, हॉस्पिटलों की फाइलें भरी पड़ी इतनी बड़ी, उनके उनके सेल्फों में, उनके बॉक्सों में, उनके उनके केबिनों में ना आपको दवाइयों के इतने बड़े पोटले मिलेंगे। जब चंगाई छुटकारा जरूरी नहीं तो दवाई क्यों खा रहा है, तेरे से बात करता हूं मैं। चंगाई छुटकारा जरूरी तो दवाई खाना बंद कर देना मेरे भाई। जब तू चंगाई छुटकारा का विरोध करता लाइव में आकर, लोगों को कहता है चंगाई छुटकारा जरूरी, उद्धार पाओ, तो तू दवाई क्यों खा रहा है, चंगाई पाने के लिए दवाई क्यों खा रहा है, वो भी बंद कर दे, वो भी बंद करो ना, उद्धार हो गया तेरा, शरीर की चिंता बंद कर, अब स्वर्ग जा। बोलो दिस इज द लाइफ ऑफ डेविल, कम ऑन, दिस इज द लाइफ ऑफ डेविल, लाइफ ऑफ डेविल, शैतान का झूठ, शैतान चंगाई का विरोध करेगा, शैतान छुटकारे का विरोध करेगा, क्योंकि वो लोगों को
लंगड़ा रखना चाहता है, रखना चाहता है, क्या रखना चाहता है, लंगड़ा रखना चाहता है। बोलो, यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानचंद थे, सदू की फरीसी, दियार ज्ञानचंद, सदुकी थे, सदुकी थे, फरीसी थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, शास्त्री थे, और ये 40 साल हो गए लंगड़े को, साल हो गए लंगड़े वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। सदुकी फरीसी बोलते थे, सदुकी फरीसी बोलते थे, तू लंगड़ा आया है, लंगड़ा आया है, तू लंगड़ा मरेगा, लंगड़ा मरेगा, लंगड़ा होके ही तुझे काम करना है, लंगड़ा हो, लेकिन चिंता मत कर, लेकिन तू चिंता मत कर, तू स्वर्ग जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा। आज आज यही सदू की फरीसी जिनका तुम संदेश सुनते हो और बोलते हो हमारे प्रार्थना करो, उन्हीं ने लंगड़ा बना दिया लोगों को। आज क्या बना दिया, लंगड़ा। स्वर्ग जाना है बस तुमको, लंगड़े स्वर्ग चले जाओ। यदि लंगड़ा स्वर्ग जाना होता तो यीशु ने कोड़ा क्यों खाया? भैया मैं आपसे पूछना चाहता, यीशु ने कोड़े क्यों खाए? यदि तुमको लंगड़े स्वर्ग जाना था, यदि तुमको बीमार स्वर्ग जाना था, तो यीशु ने कोड़े किस खुशी में खाए थे? यीशु को मजा आ रहा था, यीशु एंजॉय कर रहा था, ले ले मार मार मार, इधर भी मार, इधर इधर मार। यीशु अपने शरीर पर टैटो नहीं बनवा रहा था, वहां फैशन का मॉडलिंग नहीं चल रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। दिस इज द रियल लाइफ। यीशु ने कोड़े इसलिए खाए, बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। कम ऑन चर्च, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कम ऑन चर्च, आपको और मुझे इस बात को समझ लेनी है, यदि यीशु ने कोड़े खाए हैं तो आपकी और मेरी चंगाई के लिए आपको और मुझे चंगे होना है। लंगड़े नहीं मरना है, तकलीफों में नहीं मरना, बीमारियों में नहीं मरना, समस्या में नहीं मरना, खुदा ने बोला है, क्योंकि आप जैसे ही चंगे हो जाओगे उसकी स्तुति करोगे। खुदा आपको इसलिए चंगाई देना चाहता ताकि आप उसकी स्तुति कर सकें, कि आप तैयार हैं उसकी स्तुति करने के लिए, क्या आप तैयार हैं उसकी स्तुति सुनने के लिए, क्या आप तैयार हैं उसकी स्तुति करने के लिए। मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आपको अप्रिसिएट करना चाहता हूँ, मैं आपको आपको बढ़ाना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों। यीशु के कोड़े के बलिदान को व्यर्थ मत जाइए। यदि आप और मैं एक कोड़ा भी खा लेंगे ना, तो सारी जिंदगी उस कोड़ा मानने वाले व्यक्ति को याद रखेंगे, क्योंकि वो खाल निकल जाता है, 50 जहां लगता है कोड़ा वहां से पूरा मांस चले जाता है, गायब हो जाता है। आपको इस बात को समझनी है, यीशु ने कोड़े खाए हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आपकी और मेरी चंगाई के लिए। इसलिए बीमार होना बंद कर दीजिए, बीमार रहना बंद कर दीजिए, अपनी बीमारी पर बातचीत करें, प्रार्थना करें, हीलिंग्स पर भरोसा करें। पतरस और यूहन्ना उसकी ज़िंदगी में चंगाई लेकर आए प्रियो, ताकि वो खुदा की वर्शिप कर सके। आज बहुत सारे लोग बिना चंगाई के वर्शिप करना भूल चुके हैं, वो चंगाई शैतान ने उनके मुँह से वर्शिप छीन लिया है। आप वो मांगने वाले बन गए हैं, कि लंगड़ा मांगने पहले मांगने वाला था, लेकिन हीलिंग और मिरेकल ने इसको वर्शिप करने वाला बना दिया। यदि आज आप केवल प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रार्थना रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति हैं, केवल 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 मांगने वाले हैं आज, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको मिरेकल की जरूरत है ताकि आप वर्शिप करने वाले बन जाएं। हीलिंग और मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में वर्शिप लेकर आते हैं। ये लंगड़ा पहले भीख मांग रहा है, सोना दे दे, चांदी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, जो मर्जी हो दे जा भाई। पतरस यूहन्ना, पतरस यूहन्ना ने बोला, तेरे को लंगड़ेपन से आज़ादी देने आए मेरे भाई, सोना चांदी नहीं देने आए तेरे को आज। आज आपको लंगड़ेपन से आज़ादी की जरूरत है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है। यहां पर हम देखते हैं पहली चीज, बोलो पहली चीज, वो उसकी जिंदगी में वर्शिप लेकर आया। हीलिंग डेलेंस आपकी जिंदगी में वर्शिप लेकर आते हैं, मिरेकल्स आपकी जिंदगी में वर्शिप लेकर आता है। बोलो उसके शब्द बदल गए, उसके शब्द बदल गए, मांगने वाला, मांगने वाला आराधना करने वाला बन गया। यदि आज आप मांगने वाले हैं, आप मांगने वाले, आप आराधना करने वाले बनेंगे। बोलो परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी वर्शिप कर सके, उसकी वर्शिप कर सके। यशया निकाले जल्दी से 43:21, जल्दी से हम खत्म करेंगे, जल्दी से मैं आज के संदेश को खत्म करने वाला हूं, जल्दी से सुनिएगा। सुनिए, परमेश्वर आपको मुझे क्यों बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करें। क्या आप कर सके, गुणवाद करें। इंग्लिश बाइबल कहती है, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। द पीपल वोम आई फॉर्म फॉर माई सेल्फ, मैंने उनको मेरे लिए फॉर्म किया, आकार दिया, बनाया और रचा है,
विल डिक्लेयर माई प्रेज, कि वो मेरे स्तुति की घोषणा कर सके। आप और मैं किसकी घोषणा आज कर, किसको डिक्लेयर कर रहे? केजीवी बाइबल बताती है कि मेरी प्रजा को मैंने इसलिए फॉर्म किया है, बनाया है, रचा है कि वो मेरी प्रेज को डिक्लेयर करें। बोलो डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, घोषणा करें, घोषणा करें। आज हम किसकी घोषणा कर रहे हैं? आज हम किसकी? बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, जादू टोना, झगड़े, समस्या, गाली गलौज, गुस्से की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है उसकी स्तुति की घोषणा करने के लिए। बोलो डिक्लेयर माय प्रेजेस, डिक्लेयर माय प्रेजेस, डिक्लेयर माय प्रेजेस, मेरी स्तुति की घोषणा करने के लिए। बोलो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, परमेश्वर ने आपको मुझे उसकी स्तुति की घोषणा करने के लिए। आज हम किसकी घोषणा कर रहे हैं? क्या हम ऊंचे शब्दों से आज गाना गाते हैं? आपके घर से कौन सी आवाजें आती हैं? मेरे घर से चिल्लाने की आवाज आती है, मेरे घर से चिल्लाने की आवाज आती है। कौन से चिल्लाने की? कौन से? वर्शिप, हालेलुया। मेरे घर से अभी आप बाहर के लोगों को पता है, सब लोगों को यहाँ लाइव मीटिंग चल रही है, हम चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, हम फ्रंट कमरे पर बैठा हूँ, आसपास के सारे लोगों को पता है यहाँ से कौन से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति की आवाज़ें आ रही है। क्या आज आपकी और मेरे घरों से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती हैं, स्तुति की आवाज़ आती हैं? आप अपने घरों में आवाज़ खोलें और परमेश्वर की स्तुति के गीतों को लगाएं। आपके आस पड़ोस के जब लोग गीतों को सुनेंगे उनके मन और जीवन बदलेंगे। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसका गुणानुवाद करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। बोलो पहली बात, मेरी कल बात वो लंगड़े के जीवन में स्तुति लेकर आया, लंगड़े के जीवन में स्तुति लेकर आया। आज आज हमारे जीवन से स्तुति गायब हो चुकी है, हमारे जीवन से स्तुति गायब हो चुकी है। इसलिए हम हीलिंग, डिलीवरेंस और मिरेकल की जरूरत है। समझ आया? दूसरी बात, वो उनके साथ मंदिर में गया। बोलो 40 साल हो गए मंदिर में नहीं गया। आज भी लोग, बोलो मंदिर, द टेम्पल इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बोलो बीमारियां, लंगड़ापन, बंधन आपको प्रभु की उपस्थिति से दूर रखते हैं। आपको प्रभु की उपस्थिति दूर रखते हैं। एक बीमार व्यक्ति चर्च नहीं जा पाता, एक बीमार व्यक्ति मीटिंगों में नहीं जा पाता, वो बोलता मेरे को तकलीफ है, दर्द है। जो प्रार्थना करने बैठता है उसको दर्द होता है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रार्थना कर नहीं कर पाते, वो लोग उसको तकलीफ होती है, दर्द होते हैं, समस्या होती है, बीमारी के बिस्तर पलटे हैं। सोचो बीमार शैतान ने आपको इसलिए किया कि आप उसकी स्तुति ना कर सकें, बीमार इसलिए किया कि आप उसकी आराधना ना कर सकें, उसके भवन ना जा सकें। बोले लंगड़ा क्यों था? ताकि ये परमेश्वर के भवन में ना जा सके। आज भी शैतान ने बहुत सारे लोगों को लंगड़ा बना रखा है, ताकि वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर रहे। और आज आपकी जिंदगी में तकलीफें क्यों हैं? ताकि शैतान आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दे। क्या कर दे? परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दे। बोलो ये लंगड़ा चमत्कार से पहले, चंगाई से पहले, चमत्कार से पहले, चमत्कार से पहले मंदिर के बाहर था, मंदिर के बाहर था, लेकिन आफ्टर डिलीवरेंस, लेकिन आफ्टर डिलीवरेंस, आफ्टर हीलिंग, आफ्टर हीलिंग ये मंदिर में है, ये मंदिर में है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बीमारी आपको मंदिर के बाहर रखती है, बीमारी आपको मंदिर के बाहर रखती है, लेकिन मिरेकल, लेकिन मिरेकल हीलिंग और डिलीवरेंस आपको खुदा की प्रेजेंस में लेकर जाते हैं, आपको खुदा की प्रेजेंस में लेकर जाते हैं। आप चंगे होंगे, आप चंगे होंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे, आप प्रभु में बढ़ेंगे। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हीलिंग और डिलीवरेंस के द्वारा आज मेरी सेवकाई में, आज मेरी मिनिस्ट्री में सैकड़ों लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। कई लोग मेरी मिनिस्ट्री को छोड़कर चले गए और कहते तुम खरा प्रचार नहीं करते, ये क्या कर रहे हैं? फिर पतरस योहन्ना की सेवकाई में भी हो तो कहते पतरस योहन्ना तुम खरा प्रचार नहीं करते, वो पतरस योहन्ना जैसे प्रेरित को भी छोड़कर भाग जाते, पता है आपको? क्योंकि पतरस योहन्ना भी अपोस्टल और मैं भी अपोस्टल हूं, उनको भी कहते तुम खरा प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनको सदूकी फरीसी चाहिए। ले लो सदूकी फरीसी, जितना चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। तुमको जहां मर्जी है वहां सदूकी फरीसी के पास एड हो जाइए आप, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम प्रभु के सच्चे वचन का प्रचार करेंगे। एक हीलिंग और डिलीवरेंस और मिरेकल एक व्यक्ति को मंदिर में लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल लोगों को मंदिर में लेकर जाता है, मंदिर में लेकर जाता है, खुदा की प्रेजेंस में लेकर जाता है। लोग बीमार होते हैं, आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे चंगे होते हैं, वो चर्चाना स्टार्ट कर देते हैं। कितने सैकड़ों हैं मेरे पास, मेरी तो पूरी कलीसिया भरी है प्रियो इसी बात से। पहले उनकी जिंदगी में तकलीफ थी, प्रार्थना किया। लाइव में देखो, लाइव में आप में से आधे ज्यादा क्यों हैं? उनके लिए प्रार्थना किया,
उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ और लाइफ में जुड़ गए आप। हालेलुया हालेलुया। जल्दी से दो वचन को देखेंगे, फिनिश कर रहा हूं आज की मीटिंग को। जल्दी से यशिया 56 का 7 पढ़ दीजिए, बस एक ही वचन पढ़ दीजिए। एशिया 56:7 बोलो प्रिय, जो भवन है पत्रस योना क्यों जा रहे थे वहां? बोलो पत्रस योना क्यों जा रहे थे? पत्रस योना क्यों जा रहे थे? प्रेयर करने मंदिर में, प्रेयर करने मंदिर में। पत्रस योना कहां जा रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। पढ़िए, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। कहां पर आनंदित करूंगा? प्रार्थना के भवन में। द टेम्पल ऑफ प्रेयर, द टेम्पल ऑफ प्रेयर, द बिल्डिंग ऑफ प्रेयर, द बिल्डिंग ऑफ प्रेयर, द हाउस ऑफ प्रेयर, हाउस ऑफ प्रेयर। हाँ, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। सुनो, जब हीलिंग डिलीवरेंस मिरेकल्स होते हैं तो एक व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाता है, एक व्यक्ति परमेश्वर के घर में जाता है, एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाता है। और वो जब अपनी होम बलि और मेल बलियों को जब खुदा के सामने चढ़ाता है, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाता है। खुदा कहता है, खुदा कहता है, मेरा भवन सब देशों के लिए, सब देशों, सब जातियों के लिए, सब कुल के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा। लेकिन बीमारियां लोगों को प्रार्थना से दूर रखती है, और दुष्ट आत्माएं लोगों को परमेश्वर के चर्च से दूर करती है। लेकिन जैसे हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, मिरेकल होता है, लोग खुदा के पास आते हैं। बोले लंगड़ा 40 साल से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, ये लंगड़ा 40 साल से परमेश्वर की प्रेयर से दूर था, ये लंगड़ा 40 साल से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर था, चर्च से दूर था, संगति से दूर था, पूरा ध्यान भीख मांगने पर था। लेकिन जैसे ही मिरेकल आया, ये प्रभु की उपस्थिति में आ गया, प्रभु के भवन में आ गया, स्तुति करना शुरू किया और प्रभु के मंदिर में जा रहा है। बोलो क्या लिखा है यहाँ पर? प्रभु के मंदिर में जा रहा है। बोलो स्तुति करता हुआ, स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मंदिर में गया, कहाँ पर गया? मंदिर में गया। हालेलुया हालेलुया। हीलिंग डिलीवरेंस मिरेकल्स आपको प्रभु के मंदिर में ले आते हैं प्रियो। आज मेरी तो सेवकाई इसीलिए चल रही प्रियो कि लोग खुदा के मंदिर आ रहे हैं, लोग खुदा से प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लाइव में आना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मंदिर के बाहर नहीं रहे, अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं। अब वो बाहर शिकायत नहीं कर रहे, वो स्तुति कर रहे हैं क्योंकि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। हालेलुया प्रियो, आज के संदेश में मैंने आपको 3 बातों को सिखाया है। पहली बात, पतरस और यूहन्ना ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया, मिरेकल हो गया। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है। इसलिए आज आप विश्वास करें, विश्वास के साथ कदम उठाएं। यदि आप विश्वास के साथ कदम नहीं उठाते बन रहा है, प्रेयर टावर पे कॉल करें और पूछे कि हम विश्वास के साथ कैसे कदम उठाएं। जिन जिन भाई और बहनों के पास हमारे चर्च से फ़ोन आ रहे हैं, जिन जिन भाई और बहनों के पास हमारे चर्च लीडर्स के फोन आ रहे हैं, हमारे मिनिस्ट्री से तुम्हारे पास कॉल आ रहा है, उनसे बात करें और पूछें हम विश्वास का कदम कैसे उठाएं, विश्वास का कदम कैसे उठाएं, विश्वास का कदम कैसे उठाएं। हालेलुया हालेलुया। तो आप और मैं इस बात को समझे कि हम विश्वास का कदम कैसे उठाएं। पहली बात, पतरस यूहन्ना ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे खड़ा किया, इसका मतलब उन्हें विश्वास का कदम उठाया। बिना विश्वास के कदम उठाए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जैसे ही वो उठा, वो चंगा हो गया, चलने फिरने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। दूसरी बात, मिरेकल्स आपकी जिंदगी में स्तुति लेकर आते हैं। आप वर्शिप करेंगे खुदा की, आप आराधना करेंगे, आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु तूने मुझे चंगा दे दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे बच्चे आशीष, धन्यवाद परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी, धन्यवाद परमेश्वर पिता तूने मुझे बिजनेस दिया, धन्यवाद परमेश्वर एक अच्छी पत्नी के लिए, अच्छे पति के लिए, अच्छे बच्चे के लिए, अच्छी फैमिली के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छी कार के लिए, एवरीथिंग, सब बातों के लिए आप धन्यवाद करेंगे। मिरेकल्स आपकी जिंदगी में प्रेजिंग लेकर आता है। और बाइबल बताती, परमेश्वर ने आप और मुझे इसलिए रचा और बनाया है ताकि आप और मैं उसकी स्तुति कर सकें, घोषणा कर सकें स्तुति की। तीसरी बात, वो मंदिर में गया। हो सकता है आप कई सालों से परमेश्वर से दूर हों, लेकिन ये मिरेकल्स, हीलिंग डिलीवरेंस आपको परमेश्वर के मंदिर में लेकर आ जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में लेकर आ जाएंगे, प्रभु की अपार सामर्थ्य में, प्रार्थना में लेकर आ जाएंगे। सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल के पार्ट 5 में हमने 3 बातों को देखा और मैंने आपको सिखा दिया। इन संदेशों को बार बार सुने, हजारों लाखों लोगों को भेजें, शेयर करें।
और प्रभु की बहुतायत की आशीष को पाएं।